रिकॉर्डिंग स्टार्ट। सर हाँ चलिए पूछिए नेता, सर पूछिए। मेरा भी एक डाउट है। ठीक है कोई बात नहीं, सबका डाउट लेंगे। चलिए नेता पूछिए। सम ए आर नॉट बी सर उसी सम ए सर आर सर एक मिनट आप उसे रफ कीजिए। सम ए ए आर बी हाँ सर उसी में कंक्लूजन ले लो। हाँ सम ए आर नॉट बी ऑल ए बीइंग बी इज पॉसिबल सम नॉट रॉन्ग सर रॉन्ग है। हाँ रॉन्ग है सर इसमें मतलब मैं क्लास गई थी ना आज कहाँ तो गई फिर फोकस क्लास दादर तो हाँ सत्य ने पढ़ाया था तो सम हाँ ए आर नॉट बी था उन्होंने राइट किया था। एक सर को बोलना कि रोहित सर है हमारे ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ये रिकॉर्डेड वीडियो है ना, कौन सा डेट ले लो 14 तारीख 7 to 9 बैच डाउट सेशन क्या है पेपर सॉल्विंग, ये वाला वीडियो हमको बोलो कि सम नॉट कैसे रॉन्ग हो गया, सर ये वाला वीडियो सम नॉट कैसे रॉन्ग हो गया। अच्छा कि रोहित नेता सर ने देखो ऐसा पढ़ाया हाँ है हाँ तो तो क्या बोलो उन्होंने शक्ति सर ने बोला कि उनका भी पढ़ाना और मेरा भी पढ़ाना वही सेम है लेकिन आप दे पहले उनका देख लीजिए अगर गलत होगा तो एक बार मेरा चेक करना तो मेरा वाला सही जाएगा देखना आप अच्छा मेरा ध्यान दीजिए तो अच्छा एक मैं अब मैं डिटेल कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो सर सम ए आर नॉट बी यही बोला है, हाँ सर वेन डायग्राम यही है कंफर्म। हाँ सर कंफर्म मैं लिखी अच्छा हूँ। मैं आपसे पूछू, आप लोगों से मैं क्लियर पूछता हूँ, मेरा रूल छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ इस लैंग्वेज को समझो। सम ए ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, क्या आपको वेन डायग्राम ऐसा दिख रहा है, ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है? नो तो सर ने कैसे राइट बोला? देखो मैं नहीं बोलता कि सर को नॉलेज नहीं है, सर को नॉलेज है, लेकिन मैं यहाँ पे जो सिखा रहा हूँ मैं मेरे जगह पे सही हूँ। और एक बार सर को बोलना क्रॉस चेक करने के लिए, मैंने रोहित सर से कंफर्म किया, वो बोल रहे हैं कि सम ए आर नॉट बी रॉन्ग है, क्योंकि देखो ये तो हो गया डायरेक्टली स्टेटमेंट से कि क्या ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, क्या कहीं पे भी ए का कुछ बी नहीं है, हमने ऐसा बनाया है? नहीं सर वो तो दिख नहीं रहा। कैसे कैसे भी बोला जा सकता है। सेकंड तरीका हमारा रूल बता देना उन्हें सर को, नहीं मेरी तरफ से मत बोलना, देखो वो हमारा रिस्पेक्टेड टीचर है, हम लोग मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बार ये बोल देना कि रोहित सर ने ऐसा बोला है कि ये वाला कंक्लूजन रॉन्ग है सर, एक बार फिर से चेक करने के लिए। ठीक है मेरा नाम मत लेना, सिर्फ इतना बोलना कि रोहित सर ने जो आप राइट बोल रहे हो रोहित सर ने रॉन्ग किया सर, एक बार चेक करो ना। सर ठीक मैं है उनको बोली थी कि मतलब ऐसा मतलब उनका वो ऐसा पढ़ाए थे तो ये रॉन्ग आएगा सर तो सर बोले नहीं बेटा ये राइट है ये राइट है। नहीं मैं बताता हूँ, आप सर को ये बोलो कि दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के लिए, पहला डायरेक्टली देखो, अच्छा ये बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ, चलो मैं मान लो मैं गलत हूँ, बट ये कंक्लूजन गलत बोल रहा है कि जरा चेक करो ए का कुछ हिस्सा भी नहीं है, कहीं पर भी दिख रहा है क्या, नेगेटिव नेगेटिव बता दो कहीं पर भी दिख रहा है क्या? नहीं सर तो वेन डायग्राम पॉजिटिव है तो सम नॉट कैसे आएगा, नॉट का तो मेन सवाल ही नहीं उठता। ये क्वेश्चन आप पूछना, पहली बात तो ये कि जो वेन डायग्राम पॉजिटिव नॉट का सवाल ही नहीं उठता, पहला ये क्वेश्चन पूछना। सेकंड ये पूछना कि जब पूरा का पूरा बी ए में जा सकता है तो नॉट वाला रिलेशन कहाँ से आएगा सर, पॉसिबिलिटी जब जा सकती है तो नॉट वाला रिलेशन कैसे आएगा, ये सेकंड क्वेश्चन पूछना फिर आपको आंसर मिल जाएगा। ओके सर सर एक डाउट और भी है मैं देखो बोलूं सर, सर का अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है, सर का अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है कभी कभी ना गलतियां हो जाती है, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, पढ़ाते वक्त कभी कभी हो जाती है, तो एक बार सर से कंफर्म कर लेना, हो सकता है कि सर का ध्यान उस समय नहीं हो, हो सकता है कि शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया हो सकता है, लेकिन सर से एक बार कंफर्म करना कि मैंने ऑन रिकॉर्ड कॉल पे मतलब ऑन रिकॉर्ड लेक्चर पे मैंने सर से पूछा जो आपने लिखा है सम ए आर नॉट बी, यही कंक्लूजन है ना आपने मुझे दिया है? हाँ सर सर को बोलना कि रोहित सर ने रॉन्ग किया है, ओके सर ये बोलना रोहित सर ने रॉन्ग किया। सर देखो दो तरीके हैं, एक तरीका उन्हें ये बताना कि रोहित सर ने बताया है कि जब वेन डायग्राम पॉजिटिव हो तो नॉट का रिलेशन सवाल ही पैदा नहीं होता कि नॉट का रिलेशन, पहला। सेकंड पॉइंट हमारा रूल बताना
अगर पॉसिबिलिटी राइट होती है, जैसे कोई भी कंक्लूजन उठा लो सम नॉट ए, पॉसिबिलिटी से सॉल्व करो, जैसे पॉसिबिलिटी राइट होती है देन सम नॉट क्या हो जाता है हमारा, रॉन्ग हो जाता है, एंड पॉसिबिलिटी रॉन्ग होती है सम नॉट राइट हो जाता है, ये उन्हें बताना। कोई भी क्वेश्चन सम नॉट का खड़ा कर देना, उन्हें सामने पूछ लेना कि सर ये पॉसिबिलिटी सॉल्व करो क्या राइट या रॉन्ग हो रहा है। अब देखो पॉसिबिलिटी से सॉल्व करो, क्या पूरा का पूरा ए, पूरा का पूरा ऑल लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, बताओ स्टूडेंट। हाँ सर। क्या पूरा का पूरा ए बी में जा सकता है कि नहीं जा सकता है, पॉसिबिलिटी बताओ। हाँ जा सकता। तो जा सकता है मतलब पॉसिबिलिटी राइट, टू सम नॉट रॉन्ग, मुझे नहीं पता आप कंफर्म कर लो मैम, ये दोनों रूल बता देना उन्हें, ठीक है। ओके सर, मेरा भी डाउट है सर, एक और ले लो ना, इसी में ही है। ठीक है बताओ। ऑल ए आर बी, नहीं सर, एक सर सर एक मिनट, कंफ्यूजन बता रहे हो। नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, ऑल बी बीइंग ए इज पॉसिबल, यही है ना कंक्लूजन, सम बी आर नॉट ए। अच्छा एक बात बताओ, पूरे का पूरा बी ए में जा सकता है नीता? हाँ जा सकता है सर। तो सम नॉट रॉन्ग। हाँ सर ये वाला राइट है सर। एक और है, आप ये सब ये वाला सर ने राइट किया। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला सर ने राइट किया? हाँ सर राइट है ये वाला। अब ये सुनो जरा, ऑल ए आर नॉट बी, ये वाला फिर राइट क्यों किया उन्होंने? ये अगर ये रॉन्ग किया सर का, ये सही है, सर ने रॉन्ग किया ये वाला? हाँ सर ये वाला रॉन्ग है सर, रॉन्ग राइट क्यों किया उन्होंने? तो ये वाला राइट क्यों किया, जैसे बोल रहे हैं कि बी का कुछ हिस्सा ए नहीं है, तो वेन डायग्राम में देखो दिख रहा है ना कि बी का कहीं पे भी ए के साथ नो करिलेशन है? नहीं सर। तो इन्होंने बरोबर रॉन्ग किया, बट यहाँ पे शायद सर ने कहीं सही, सर का कुछ और जगह पे ध्यान होगा या फिर सर को मतलब ध्यान नहीं दिए होंगे, हो सकता है रीजन। जब इन्होंने ये किया मतलब उनको कॉन्सेप्ट आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, मैं नहीं बोल सकता कि ऐसा आ रहा है उनको, बस यहाँ पे कहीं उन्होंने मिस्टेक किया होगा समझने में या कुछ हुआ रहेगा। एक बार फिर से सर को बता देना, और ये वाला उनका क्वेश्चन उनको भेज देना कि सर बी का कुछ ए नहीं दिख रहा है तो आपने रॉन्ग किया, तो ये यहाँ पे भी तो नहीं दिख रहा, आपने राइट क्यों किया, तो समझ जाएंगे, हो सकता है मिस्टेक, हो सकता है मैं भी मिस्टेक करता हूँ, ऐसा नहीं वर्चुअली गलतियाँ होती है, तो हो सकता है। ठीक है सर, सर एक और है, हाँ इसमें है सम स्टेटमेंट। अच्छा चलो, हाँ स्टेटमेंट है ये, आप रफ कर दीजिए। अच्छा बोलिए। ऑल ए आर बी, हाँ सर, कंक्लूजन सम ए आर बी, सम ए आर बी रॉन्ग होगा, सर ने राइट किया है सर। मैम सर से पूछ लो। अच्छा एक बात रोहित सर, हाँ नहीं सर आप फिनिश करो, मैं बताता पूछता हूँ। देखो एक बात बताता हूँ, आप मुझे बात बताओ जो मैंने अभी तक पढ़ा है, जैसे सम ए आर, देखिए मैं सर के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता, मैं मेरे तरफ से कॉन्सेप्ट बता रहा, ठीक है, आप समझ लीजिए सर के साथ जो भी है, सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, मैं वो नहीं बोलूँगा कि क्या है कैसा है, मुझे मेरा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप चाहिए तो क्रॉस क्वेश्चन करने के मेरा कॉन्सेप्ट उनके सामने रख सकते हो, ठीक है, कि रोहित सर ने ऐसा पढ़ा है, और चाहिए तो आप क्वेश्चन भी कहीं से भी उठा लो ऐसे वाले, और यहाँ पे चेक कर लेना सम ए आर बी, आपको डेफिनेटली रॉन्ग निकलेगा। अच्छा ये देखो एक बात बताओ, सम ए आर बी का मतलब ये होता है कि ए का कुछ हिस्सा बी है, बट एक बात बताओ ऑल ए आर बी है या सम ए आर बी है यहाँ सर? इसमें ऑल ए आर बी है, तो सम कैसे बोल सकता है, तो रॉन्ग हो गया सर। मैं सर को यही बोल रही थी कि ऐसा ये रॉन्ग आएगा, तो सर मुझे बोले बेटा ये राइट है। ठीक है तो सर को बोलो कि रोहित सर से मैंने बात किया वापस, सर बोले कि ये रॉन्ग होगा, और वो वाला भी क्वेश्चन लिखा रहे, और सर को इसमें ये क्वेश्चन करिए कि पूरा का पूरा थाने मुंबई है, ये क्वेश्चन करना, तो जैसे पूरा का पूरा थाने मुंबई, जैसे ए की जगह पे थाने आ गया, बी की जगह पे मुंबई आ गया, तो आप क्या बोलोगे, ऑल थाने इज मुंबई, यही बोलोगे ना कि पूरा का पूरा थाने मुंबई के अंदर है, यही बोलोगे ना, कि आप ऐसा बोलोगे कि सम थाने इज मुंबई, क्या मुंबई का कुछ हिस्सा थाने का कुछ हिस्सा मुंबई है, ऐसा बोलोगे? नो सर।
अगर आप ऐसा बोलोगे तो आपका वेन डायग्राम चेंज हो जाएगा, सम थाने मुंबई ये बनेगा, सर को ये बोलो सम थाने मुंबई ये डायग्राम। सर मेरा भी डाउट है, क्लियर आपका डाउट? हाँ सर, और है मेरा और है। हाँ इसमें है कि दूसरा है, मैं रफ करूँ कि दूसरा है कुछ सर इसी में सर। हाँ हाँ सम ए, एक मिनट एक वन बाय वन सम ए आर नॉट बी, ऑल ए बीइंग बी इज पॉसिबल है या रियलिटी है? रियलिटी है। रियलिटी तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग तो सर नॉट राइट। एक मिनट, इसमें दो कॉन्सेप्ट है, सर ने शायद रॉन्ग किया होगा राइट? सर रॉन्ग है। रॉन्ग किया होगा, यस करेक्ट। देखो इसमें दो पॉसिबिलिटी होती है, दो तरीके होते हैं, मैं बता रहा हूँ। कभी कभी देखो क्या होता है, सीटी के हिसाब से सीटी का जो एग्जाम होता है हिंदी वगैरह का, तो उन लोग में ऐसे बोला है सम ए आर नॉट बी। जब वेन डायग्राम पॉजिटिव हो तो इसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, मतलब नो ऑर्डर नहीं आएगा, तो मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा। सर ने सही बताया, गलत नहीं बताया, सर सही है। बट सर अगर सर इसमें अगर ऐसा होता सम ए सॉरी सम ए आर नॉट बी, जैसे सीटी के एग्जाम से देखो सिलॉक सीटी में भी आता है, तो सर ने गलत नहीं बताया, सर परफेक्ट अपने जगह पे सही है इस मामले में। ठीक है, सर ने सही बोला कि सम ए आर नॉट बी, वेन डायग्राम पॉजिटिव है तो नॉट का रिलेशन नहीं आएगा, रॉन्ग कर दो। बट क्या होता है बैंकिंग में, क्या होता है बैंकिंग में पॉसिबिलिटी देखी जाती है सम नॉट में, और हमें ये पता है कि रियलिटी कभी पॉसिबिलिटी नहीं बनती, जो चीज 100% करेक्ट हो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ आपको 100% में क्या दिख रहा है, ऑल ए इज बी, 100% दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर दिख रहा है, 100% दिख रहा है, तो वो रियलिटी की पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है? हो सकती है क्या बैंकिंग कॉन्सेप्ट में? तो ऑल सम ए और नॉट बी, तो ऑल लगा के जरा चेक करो, ऑल ए बीइंग बी इज पॉसिबल या फिर ऑलरेडी गिवन है, देखो जरा। रियलिटी है सर, रियलिटी में पॉसिबिलिटी नहीं होगी, इसमें सम नॉट राइट होगा इस कंडीशन में बैंकिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से, बट सीईटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये करेक्ट होता है। सीसैट के हिसाब से जो एमपीएससी होते हैं, सीसैट होता है उन लोग का, जो एमपीएससी के जो टीचर होते हैं रीजनिंग के, उनके हिसाब से ये सही है, बट बैंकिंग में ये कॉन्सेप्ट नहीं चलता। क्लियर सर? एक कंक्लूजन और है, पूछ लो एक बार सर से ये बोल लेना, ये सर सही है यहाँ पे, मुझे लगता है सर सीसैट पढ़ाते होंगे, एमपीएससी को पढ़ाते होंगे, एक बार कंफर्म कर लेना, क्योंकि एमपीएससी कॉन्सेप्ट के हिसाब से सर चल रहे हैं, एक बार कंफर्म कर पढ़ाते हो सर। इसमें अगर ऐसा होता है सर, इसमें देखो मुझे पता तो नहीं था, लेकिन मैं बता दिया ना सीटी और एमपीएससी का कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, बट बैंकिंग कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है सिलॉक्स के लिए, इस कॉन्सेप्ट को लेकर मुझे पता नहीं सर कैसे पढ़ाते, लेकिन मैंने जस्ट गेस किया कि शायद एमबीए में होंगे और एमपीएससी का सर अच्छा खासा कमांड होगा, तो आई थिंक यही है, बात कुछ भी नहीं है। चलो लेकिन आप अगर देखो ना मेरी सुनो ना सर की सुनो, आप क्वेश्चन उठाओ फिर सॉल्व करो, देखो किसका सही निकलता। चलिए नीता का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता हूँ मैं, फिर मैं संतोष के पास आता हूँ, देन पूजा के पास आऊंगा। सर मेरा भी है, अपेक्षा बाद में, सम बी आर ए इसी में, हाँ सर इसी में ही राइट है, सम बी आर ए राइट है, रॉन्ग है सर इसमें। भगवान सम बी आर ए, अरे मैम एक रुक जाओ, अच्छा बी का कुछ हिस्सा ए है कि नहीं, आपको क्या दिख रहा है? सर बी का कुछ हिस्सा ए ही है ना, अभी ये मुंबई है, बी के जगह मुंबई ले लो, ये थाने ले लो, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मुंबई का कुछ हिस्सा थाने है? हाँ सर। अच्छा आप एक क्वेश्चन उठाता हूँ, रुको एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ सर क्या बोला सर, राइट बोला रॉन्ग? हाँ क्या बोल रहे हो? राइट है, इसका आंसर राइट है, ये राइट है ना, ये मेरे हिसाब से राइट है सर, राइट ही है सर, ने राइट करवाया है,
राइट करा है ना, नीता ने गलती किया होगा। नीता एक बार सर से सर के ऊपर ब्लेम करने से बोला जाए, चेक कर लो एक बार आपके एंड से। सर सम बी आर ए राइट करवा, राइट है, राइट करवा है ना, फिर वही तो एक बार कंफर्म कर लो मैम, ऐसा सर के ऊपर ब्लेम मत लगो। सर मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, पर मतलब मुझे डाउट लग रहा था बहुत से लॉक्स में। और हाँ सर, मैंने पिक क्लिक किया है तो फिर मैं आपको भेजी हूँ। मुझे भेज, अच्छा ठीक है। और कोई डाउट सर? आपने मॉर्निंग में डाउट सेशन लिया था? यस मैम। सर मेरा डाउट लिया था क्या? कौन सा डाउट था आपका? सर आपके पास आया होगा ना, आप बोलिए ना मैम, तो मुझे समझेगा। कौन सा डाउट? सर सीटिंग अरेंजमेंट था और सिलॉक्स का भी था। शायद ले लिया मैंने मॉर्निंग में, एक बार रिकॉर्डेड वीडियो में देख लूंगा। सीटिंग अरेंजमेंट लिया मैंने। हां, और कोई डाउट? नीता लिया है क्या सर आपने? हाँ शायद, शायद मुझे याद नहीं रहता मैम, लेकिन आप एक बार रिकॉर्डेड वीडियो में देख लो, क्योंकि मैं जैसे जैसे डाउट लेता हूँ मैं उसके पिक डिलीट करते हुए चलता हूँ, कि मैं दोबारा नहीं लेता। सर वो एक्चुअली अटेंड नहीं कर पाए तो इसीलिए पूछे। आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो ना मैम, रिकॉर्डेड वीडियो। अच्छा नीता एक बार बताओ, जो मैंने आपको पढ़ाया है उनको सामने रख लो, क्योंकि आपको देखो एज ए टीचर मैं यही सजेशन करूँगा, मैं किसी को कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ मैं किसी का ना तो नाम ले रहा हूँ ना किसी को कुछ बोल रहा हूँ, बस मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने जो पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट आपने बुक मेंटेन किया होगा ना, मैंने जो पढ़ा है निका सिलॉक्स का, हाँ सर, सर को दिखा दो ठीक है, और चार पांच क्वेश्चन का जो भी मैंने किया है वो भी चेक करवा लो ठीक है। ओके चलो सर, सिलॉक्स का डाउट एक क्लियर कर दीजिए ना। हाँ मैम बोलो। सर ऑल वीर आर इन द All वीर आर इंदर, वीर वीर All वीर आर इंदर, ओके All राकेश आर वीर, All राकेश आर वीर, राकेश अंदर आ जाएगा ठीक है। All इंदर आर आशीष, All इंदर आर आशीष ठीक है। हाँ सर, सर All सर कंक्लूजन अभी। बोलो सर, ऑल आशीष आर राकेश इज पॉसिबिलिटी, ऑल आशीष आर राकेश, ये नहीं ये नहीं, ये पता है मुझे सर, ये पता है। हाँ हेलो रोहित सर। हाँ मनीष दो मिनट सर। सम आशीष, सम आशीष विच आर वीर आल्सो पार्ट ऑफ राकेश, सम आशीष विच आर विच आर वीर आल्सो वीर आल्सो पार्ट ऑफ राकेश, पार्ट ऑफ राकेश करेक्ट सर, कैसे correct. एक बार समझा दीजिए ना। अच्छा ये बताओ करेक्ट है या नहीं है? हां सर करेक्ट ही। क्या सर आंसर? क्या नहीं आंसर बताओ, आंसर बताओ करेक्ट है या नहीं है? सर रॉन्ग है, बुक में दिया हुआ है इसीलिए पूछा सर। सम आशीष अब समझो कौन सा बुक है, अड्डा का है? हाँ सर अड्डा 247। भेजो मुझे, सुबह भी यही क्वेश्चन आया था, भेजो जरा। अच्छा देखो यहाँ पे सम आशीष, आशीष का कुछ हिस्सा विच आर वीर, आशीष का कुछ हिस्सा जो वीर है, देखो ये आशीष का कुछ हिस्सा जो वीर है अल्सो पार्ट ऑफ राकेश, राकेश का पार्ट नहीं है क्या आशीष का सर, कुछ मतलब वीर है, मतलब देखो ना आशीष किसके अंदर है, मतलब वीर किसके अंदर है, आशीष वीर के अंदर है ठीक है। हाँ सर आशीष विच आर वीर, मतलब वो आशीष जो वीर है, तो आशीष का यही आएगा ना वीर, बताओ यही वीर आएगा। अल्सो पार्ट ऑफ राकेश, तो राकेश तो उसके अंदर है ना, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसका पार्ट हो रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन भेजो मैं। अगर अल्सो पार्ट ऑफ इंदर लिखा होता सर फिर भी राइट होता ना, करेक्ट होता क्योंकि उसका हिस्सा है ना सम के रिलेशन में। सर एक मेरा छोटा सा डाउट है, यही यही चीज मॉर्निंग में भी शायद आया था,
ये रॉन्ग हुआ था, मैंने उन्हें यही कहा था कि आप बुकमार्क करके इस क्वेश्चन को, वहां पे एक ऑप्शन होता है मार्क रॉन्ग क्वेश्चन करके ऑप्शन होता है, उस पर टिक कर दो, आपको उन लोग रिवर्ट बैक कर देंगे। हाँ पूछिए सर, मेरा क्वेश्चन बोलू। एक मिनट, एक वन बाय वन बोलो। संतोष सर, मैंने लीनियर रो का वो कर रहा था वो सिटिंग अरेंजमेंट, तो मेरे को सिर्फ एक डाउट था। किसका किसका? लीनियर रो। लीनियर रो, लीनियर। हाँ तो समझो मतलब 5% बैठे, 5% सिटिंग इन सिंगल रो, उसने बोला था मेरे सॉल्व किया तो मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा था, फिर बाद में मैंने पीछे देखा ना अड्डा के बुक में, तो उसका जरा था, तो मेरे को जरा डाउट था, वही पूछना था। तो समझो वो 5 lines करो ना सर, वो ड्रॉ करो ना 5% सिटिंग। हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड लास्ट में पी लिखिए, पी यहाँ पे। हाँ पी, हाँ और जो हाँ नहीं 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 उधर ही बराबर है, और एक्सट्रीमेंट में डब्ल्यू लिखिए लेफ्ट, डब्ल्यू यहाँ पे। हाँ 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 हाँ, तो मैं वो सॉल्व करा था, ओनली 1% सिट बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, तो वो बराबर रहेगा पी और डब्ल्यू। हाँ और 5 बंदे, हाँ 5 की ऐसे ही कुछ है, बट मेरे को वो प्रॉपर याद नहीं। अभी सॉल्व करते, पजल दे दो। और तू बेटा सर, तब तक दूसरे को दिखे, मैं तब तक बुक में चेक करता हूँ। सर सर सुनिए ना सर, आपको भेज दो क्या? हाँ क्या सर? मैं सर सर दो क्वेश्चन और है वो दे दे क्या, मतलब मैम को सेंड कर दो। भेज दो सर, आंसर ना रॉन्ग ही दिया है। हाँ सर, आपने जो बोला ना, तो बुक में आंसर ना रॉन्ग दिया है, तो कंफ्यूज हो रहा था जरा। तो आप भेज दीजिए, हम लोग बुक में कि एप्लीकेशन में डाउनलोड कर रहे हो? सर बुक है मेरे पास, एप्लीकेशन भी। मैं वही एप्लीकेशन तो रॉन्ग टिक करके, अगर आप बुकमार्क करके भेजते हो ना रॉन्ग क्वेश्चन, तो वापस वो करेक्ट करके वापस भेजते हैं। ठीक है, बुक में क्वेश्चन है वो भेज दीजिए, और सॉल्यूशन भेजिए, विद सॉल्यूशन चाहिए मुझे, तो मैं आपको रॉन्ग प्रूव कर सकता हूं कि ये क्वेश्चन क्यों है। ओके चलो मनीष पूछो। हां सर, मैं हाँ सर, हाँ हाँ सर, क्वेश्चन बोलो। पूजा का बोलो, एक मिनट रुक जाओ, पूजा बोलो सर। चैट बॉक्स, हाँ हाँ हाँ, एक क्वेश्चन ले लो आप, देखो अच्छे वाला क्वेश्चन भेजा इन्होंने, 3 papers कोडिंग डिकोडिंग का भेजा है, नीटली फोल्डेड, इसका कोड दिया है @D6 परसेंटेज। हाँ एक मिनट, दूर लिखना पड़ेगा। सर कोडिंग है ना? यस कोडिंग डिकोडिंग। अरे हो गया, करा चुके हैं आप कोडिंग डिकोडिंग? नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ये क्वेश्चन डिफरेंट है। वही सर, अभी तक हुआ नहीं है शाम के। कोई सर इसका क्लू ही नहीं पता चलता है। मैं बता दूंगा, मैं टेंशन मत लो, यहां से दिख रहेगा बोर्ड, बता दूंगा। हाँ सर ठीक है, 3 papers। अच्छा नीता मैम एक बात बताओ, नीता मैम। हाँ सर, हाँ सर। जो मैंने आपको सिलॉग सिखाया है और आपने प्रैक्टिस किया, क्या कभी भी ऐसा रॉन्ग हुआ है आपके क्वेश्चन? नहीं सर, मैं देखूं। तो मेरे कॉन्सेप्ट कैसे रॉन्ग हो गए फिर? नहीं सर, नहीं बोल रही हूँ, सर को भी नहीं बोल रही और आपको भी नहीं बोल रही, बस थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, मैं पूछ। नहीं नहीं देखो, सर के कॉन्सेप्ट भी सीखो, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बट सर का कॉन्सेप्ट अगर सीखने के बाद जरा अप्लाई करके देखो, क्वेश्चन राइट निकल रहा है रॉन्ग निकल रहा है, एक बार अप्लाई करके देखो, क्योंकि सर MPSC के हिसाब से मुझे लग रहा है सिखाते होंगे शायद, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा ये बताओ मैम, कोड मेरे को प्रॉपर स्पेस करके नहीं दिया है मैम, कोड बताओ। हाँ सर, मैंने जैसे लिखा है प्रॉपर वैसे ही है। नहीं तो ये कैसा स्पेस तो दो ना, मतलब कैसा ये 5 स्पेस कैसे है, मतलब ये तो बताओ, कुछ समझ रहा ही नहीं है, आप स्पेस बताओ ना मैम क्वेश्चन का। ओके सर, मतलब ऐसा ऐसा .com वाला तो बताओ कम से कम, तो समझेगा कि एटलीस्ट किसका क्या है। आप पढ़ो मैं लिखता हूँ। कौन सा पेपर है ये? ये कोडिंग डिकोडिंग का डाउट क्वेश्चन, पेपर सॉल्विंग लिखा हुआ है ना? हाँ पेपर सॉल्विंग लिखा है, लेकिन मैं स्टार्ट नहीं कर पाया, बट विद डाउट है बच्चों का, वो लिखना है।
मैम बताओ बी 6% फर्स्ट वाले का तीन पेपर का एडमिट एक कोड है राइट आर एट द रेट के बाद में डी है डी फॉर डॉग डी 6% ये एक कोड है ना एक कोड है ना आर 5 कंटिन्यूएशन है आर आर भी कंटिन्यूएशन नहीं नहीं रुको पूजा मैं क्या कह रहा हूँ ये एक एक को एक साथ है ना ये एक साथ है ना पूजा बताओ सब कंटिन्यू है सब कंटिन्यूएशन मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ जैसे एक दो तीन चार वर्ड्स हैं तो कोड भी आपके चार आना चाहिए नहीं नहीं चार नहीं है मतलब सब साथ में दिया हुआ है हाँ। तो अच्छा ये बताओ ये आपने, मैं बता रहा हूँ ये अच्छा ये अच्छा सीधी सी बात है लॉजिक ढूंढो ना मैम अगर ये सब साथ में लिखा हुआ है तो कैसे फाइंड आउट करो आप नीचे जरा देखो अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च इज रिटन एज देखो कॉमा कॉमा करके दिया हुआ है ना दिया है कि नहीं तो फर्स्ट वाले में कॉमा कॉमा करके दिया होगा सेकंड वाले में कॉमा कॉमा करके दिया है तो मतलब एक एक वर्ड का एक कोड होगा ना मैम सेकंड वाले में सिर्फ एक ही कॉमा है क्वेश्चन के पहले ये मिस्टेक्स है मैम ये मिस्टेक्स है मुझे ऐसा लग रहा है फिर भी मैं ट्राई करता हूँ हाँ मुझे ऐसे लग रहा है क्योंकि एक साथ कैसे समझेगा तो ये हो गया ना फिर भी ट्राई करता हूँ मैं जरा अपने हिसाब से देखता हूँ हो सकता है कि सही हो जाए देखो आपने सेकंड में बरोबर कॉमा दिया है तो फर्स्ट में क्यों नहीं दिया थर्ड में दिया हुआ है तो इसी तरीके से ऊपर वाले में भी कॉमा ही होगा और इसका कोड है ये हमारे क्लास का बुक है क्या हाँ सर ईयर सॉरी सिक्स और हैश में भी कॉमा नहीं है आपने कॉमा डाला मैं डाला है मेरे हिसाब से देख रहा हूँ मेरे क्लास के बुक्स में थोड़ा सा रिकॉर्डिंग और लास्ट का है धाया धाया लाइक 40 zeros at the rate $7 $5 $5 $4 अच्छा ये देखो इन सारे वर्ड्स में कोई कॉमन दिख रहा है क्या नो सर कॉमन तो नहीं लग नहीं दिख रहा है और हमने क्या क्या पढ़ा था कॉमन के राइट हाँ सर और मैंने एक क्वेश्चन शायद कराया होगा आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन कराया होगा शायद कराया मैंने एक क्वेश्चन अच्छा करा था ना ठीक है अब देख लो इस तरह क्वेश्चन कैसे टैकल किया जाता है अब आपको समझना क्या है यहाँ पे 6 दिया है 5 दिया है देखो नंबर हमें पिक करना इजी पड़ता है 6 5 4 6 दिया ठीक है अभी कितने नंबर देखो 1 2 3 4 फोर वर्ड्स है हाँ सर तो हो सकता है इसका कोड हो अभी बाकी का देख लो 1 2 3 4 5 फाइव वर्ड्स है हाँ सर हो सकता है इसका कोड हो अब यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हैं हाँ सर ये देखो 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स हैं हाँ सर अब दोनों 6 हैं यहाँ पे भी 6 है यहाँ पे भी 6 है अब कैसे फाइंड आउट करेंगे आंसर तो देखो बहुत आसान है जो 4 वर्ड्स है उसके बाद कौन है उसके पहले कौन है एन है ना हाँ सर अब यहाँ पे क्या है एन मतलब इसका कोड ये निकला अब यहाँ पे देखो फाइव वर्ड्स वाले का कोड के पहले क्या है आर है ना आर है सर एक बार रिपीट करो ना हाँ सुनीता मैम देखो यहाँ पे ये कोड दिया है इसके सामने इस वर्ड के आगे कोड दिया है इसके सामने ठीक है अब यहाँ पे कोड दिया हुआ है बट हमें ये कॉमन वाला नहीं है कि कॉमन कॉमन देखा कट किया इसमें क्या होता है ये कोडिंग वाला जो होता है वो कॉन्सेप्चुअल होता है कि मतलब इसको आपको ढूंढना है पर हर एक वर्ड का कोड निकालना है तो देखो
इसमें से आप कभी मतलब जो साइन होता है जैसे एट द रेट ऑफ परसेंटेज दिया है, इससे आप कभी फोर जिंदगी नहीं निकाल पाओगे, कितने भी आप मास्टर रहो नहीं निकाल पाओगे। या तो आप अल्फाबेट से निकाल सकते हो या तो नंबर से निकाल सकते हो, बट हमारे लिए नंबर इजी पड़ता है। क्यों नंबर इसलिए इजी पड़ता है? नंबर्स कम रहते इसलिए। क्या करते हैं? नंबर्स कम रहते, 1 to 9 ही रहते इसलिए। नहीं नहीं, नंबर्स का ये रहता है ना कि हो सकता है इसका टोटल हो सकता है इसका स्क्वायर हो, यही हो सकता है ना, ज्यादातर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे 6 भी है, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 शायद होगा, तो हो सकता है इसका कोड हो। अभी यहाँ पे 5 दिया था, तो 5 शायद इसका कोड होगा। यहाँ दोनों 6 दिया था, मतलब इतना समझ में आया कि जो टोटल है अल्फाबेट उसका लास्ट में कोड दिया है, ठीक है। ओके सर। अब देखो इसके पहले क्या दिया है, 4 के पहले क्या दिया, एन दिया, तो एन यहाँ पे लास्ट में है कि नहीं स्टूडेंट? हाँ है, है ना। हाँ सर है। मार्क के पहले क्या दिया, आर, आर यहाँ पर है कि नहीं लास्ट में? हाँ सर है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 दिया है, 2 बार 6 दिया। अब फाइंड आउट कैसे करें कि फोल्डेड का है कि नीटली का है, तो यहाँ पे आ जाएगा टी मतलब फोल्डेड का है सर, और वाई इसका है। इसी तरीके से मैम पूजा मैम सारे आंसर निकाल लोगे। हाँ सर इजी है ये। पूजा मैम मिल गया आंसर? हाँ सर। इसमें और भी वैरायटी होती होगी ऐसे मोस्टली? नहीं बस वैरायटी होता है ना। देखो क्या होता है ये सेम टू सेम नहीं है, बट थोड़ा ये मतलब अलग अलग कोड है, बट समझ अलग अलग कोड है। देखो लेकिन कॉन्सेप्ट यही होता है, या तो डिजिट का अल्फाबेट के नंबर हो टोटल, या फिर अभी एक साइन दिया है। साइन में क्या होता है, अभी यहाँ पे क्या क्या साइन दिया, देखो एट द रेट दिया हुआ है, परसेंटेज दिया है, एक्सक्लेमेटरी और क्वेश्चन मार्क दिया, लेकिन इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर दो साइन दिया होता है, जैसे मान लो एट द रेट और परसेंटेज दिया हो, तो या तो हो सकता है कि 4 टोटल आ रहा है तो इवन नंबर है तो एट द रेट, ये कॉन्सेप्ट हो सकता है। या तो ये हो सकता है टी हमारा कॉन्सोनेंट है, जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा शायद उसका एडजेंट हो, और जो वॉवेल से स्टार्ट होगा उसका परसेंटेज हो, कोड ये हो सकता है। बट दो कोड में होता है, यहाँ पे 4-5 कोड है, अलग अलग कोड है, तो इसका कोड हमें पकड़ना ही नहीं है, डायरेक्ट नंबर पकड़ो इजी गिरेगा। क्लियर? यस सर। सर हाँ हाँ संतोष। हाँ सर वो मिल नहीं रहा है, वो शायद से क्विज में देखा रहूंगा मैं, उसके ऐप में रहता है। एक मिनट एक मिनट। 5 बंदे बैठे हैं, राइट साइड से लिया था वो पी और वो, हाँ वो देखो ना पी के राइट में एक गैप है, फिर डायरेक्ट वो साइड में डब्ल्यू है पी के राइट। हाँ हाँ मतलब समझा नहीं, 1% सिट्स बिटवीन पी और डब्ल्यू बोला है ना? हाँ तो पर इधर 2 दिख रहा है, हाँ 2 दिख रहा है, हाँ रॉन्ग है। अब वैकेंट वाला नहीं है ना, वैकेंट वाला नहीं 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 तो वो रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग है, फिर क्विज में उसको ये रॉन्ग क्वेश्चन करके बुकमार्क कर दो। नहीं अभी सर वो याद भी नहीं, वो स्क्रीनशॉट भी नहीं निकला था, वो क्वेश्चन निकालना चाहिए था, हम लोग सॉल्व करते हैं। सर एक क्वेश्चन है, मेरे को समझ में नहीं आया कैसे सॉल्व करने का, सिटिंग अरेंजमेंट का बोलिए ना, बोलिए ना। हां वो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा सर, पूरा मिटाना पड़ेगा। पढ़ो ना, मैं तब तक लिख रहे हैं, तब तक on 3 floors, second, third and fourth, ठीक है? हाँ, 5 flats are unoccupied, it means there are only 8 floors, floors नहीं, it's a flat, actually 8 flats, यस 8 flats और 5 flats आर अनऑक्यूपाइड, मतलब वो उसमें कोई ऐसा नहीं है, खाली है, वैकेंट है, ठीक है। 3 मैनेजर 2 टीचर 2 लॉयर एंड 1 डॉक्टर ऑक्यूपाइड द रिमेनिंग फ्लैट। 3 मैनेजर 2 टीचर्स और 2 लॉयर एंड 1 डॉक्टर, ठीक है, ऑक्यूपाइड द रिमेनिंग फ्लोर। देयर आर एट लीस्ट 3 फ्लैट्स ऑन एनी फ्लोर, नॉट मोर देन 6 फ्लैट्स ऑन एनी फ्लोर। ओके देयर आर एट लीस्ट,
एक बार ट्राई करना शुभम, देखो ये संतोष देखो, टू थ्री और फ्लोर दिया, आठ फ्लैर, टोटल 13 फ्लैट्स हैं और मोटा नॉट मोर देन 6 फ्लोर, एक फ्लोर में नहीं होना चाहिए 6 फ्लैट, हाँ 6 फ्लैट एक नहीं होना चाहिए, तो 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, हाँ. या फिर ऐसा भी हो सकता है, तो इस तरीके से एक बार ट्राई करके देखना, अगर नहीं बनेगा तो बोलो सॉल्व करेंगे. हाँ तो वही ले लो ना सर, क्योंकि मेरे से नहीं हुआ था. चलो सॉल्व करते हैं फिर, ये हो गया लिख के. स्टूडेंट बताओ हो गया लिख के? हाँ सर. हेलो सर. हाँ बोलो मनीष जी. ये जो भी आप डाउट सॉल्व करा रहे हो, जो भी कॉन्सेप्ट है, अभी तक शायद मैंने अटेंड नहीं किया है, सामने नहीं हुआ. कोई बात नहीं, वो डाउट सेशन उन लोगों के लिए जिसका पोर्शन ऑलमोस्ट 70% के ऊपर हो चुका है. वही सर, मेरा नहीं हुआ है सर, तो समझ नहीं रहा डाउट भी. कोई बात नहीं मनीष, सर 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 ये जो नंबर सीरीज का ये ए बी ए बी सी कैसे सॉल्व करना है सर? एक मिनट तो मनीष, तो yes, आप sir. क्या करो कि अगर मतलब समझने की कोशिश करो लेक्चर में और ट्राई करो कि समझ में आए. हाँ सर, वो वाला समझ में आया, कोडिंग डिकोडिंग वाला जो पहला वाला था समझ में आएगा, वो भी समझ में आएगा, तो कोशिश करो फिर अगली बार जब पढ़ाऊंगा ना तो अच्छे से और क्लियर होगा. चलो ओके सर. ओके सर, एक कोडिंग डिकोडिंग वाला जो है ना, हाँ हाँ, उसमें मैंने एक क्वेश्चन किया था, उसमें ना नंबर्स जो है ना उसमें वोवल्स और कंसोनेंट वाला आया था. बोलो ना, बोलो ना. नहीं वो मुझे समझा, मैं आपको बता रही हूँ सर. अच्छा वोवल कंसोनेंट वाला कोड वाला. ओके ओके हाँ सर, एक नंबर सीरीज का ना. यस यस यस, वोवल कोड भी आता है. हाँ हाँ सर. सर एक नंबर सीरीज का वो ए बी ए बी सी ए, सर ये कैसे सॉल्व करते हैं? A B A बोलो ना मैम. B C A. B C A. B C D. B C D. A B C D. A B C D ठीक है, यही है ना? हाँ हाँ सर. ये आएगा, ये आएगा. नहीं रुक जाओ, क्वेश्चन मार्क के आगे. हाँ सर. हाँ क्वेश्चन मार्क है. कितना है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 बरोबर, ये निकालना है ना? हाँ सर. ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आया, ए बी, यहाँ पे क्या आया ए बी सी, यहाँ पे क्या आया ए बी सी डी, तो आगे क्या आएगा? पहले आया ए बी. ओके सर. ओके 2 2 3 4 5 ऐसा सर. सर आपने वो सिखाया था वैसे करना है क्या ये अभी? नहीं, वो ऐसे सिखा. फिर वापस ए बी आ गया लेकिन सी को ऐड कर दिया, अब वापस ए बी सी डी आया फिर डी को ऐड कर दिया, अब डी आ गया तो डी के बाद क्या आता है? सिंपल ये है. ओके सर. सर मेरा ज़ेरॉक्स का ले लेना एक डाउट. हाँ हाँ बोलो मैम, बोलो. और हनी आर शुगर. संतोष. हाँ सर. सर आप एक काम करिए, उसका जो स्क्रीन शॉट है ना वो लिखने से अच्छा आप मुझे सपना मैम को बोल के अभी भिजवा दीजिए, तो मैं कैसे लिख दूंगा ऊपर बोर्ड पे. ठीक है सर, आप भी भेजिए. हाँ उपेक्षा बोलो. ऑल हनी आर शुगर. ऑल हनी आर शुगर. सम शुगर इज सॉल्ट. सॉल्ट. हाँ सॉल्ट. सम शुगर इज सॉल्ट. नो हनी इज वाटर. एक मिनट रुक जाओ. नो हनी इज वाटर. कंक्लूजन बोलो. सम सॉल्ट इज नॉट वाटर. All salt being water is possible. बताओ अपेक्षा. हाँ हाँ सर possible है. Possible then some not. Wrong. Clear पहले का आंसर. ठीक है. नहीं सर नहीं, कैसे possible है? नहीं possible है sir. और अच्छा एक बात बताओ, क्या पूछा आपने कि some salt are not water, ये पूछा ना आपने? हाँ some salt is not water. Water. अच्छा ये देखो अपेक्षा, कि सॉल्ट अगर जाएगा तो शुगर का कुछ हिस्सा लेके जाएगा. हाँ. क्या वाटर और शुगर में नो करिलेशन है या वाटर हनी में नो करिलेशन है? सर हनी भी तो जा रहा है ना पूरा उसके अंदर, वाटर के अंदर. हनी का, अच्छा हनी का सिर्फ इतना सा ही हिस्सा है, बाकी शुगर का हिस्सा खुद का है. अगर इतना लेके जाएगा तो शुगर का हिस्सा लेके जा रहा है, हनी का लेके नहीं जा रहा मैम. अगर ये सॉल्ट पूरा का पूरा जाएगा वाटर में
तो ये जा सकता है। अच्छा ये चेक करो, मैं आपको फॉर्मूला बताया था कि जब भी पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है तो पहले आप ये चेक करिए कि किसको किसके घर में जाना है, पहले चेक करो। हाँ, सॉल्ट को वाटर में जाना, वाटर में जाना है। क्या सॉल्ट अकेला वेन डायग्राम है या किसी के इन्फ्लुएंस में है? इन्फ्लुएंस में शुगर के, इसके शुगर के। अब चेक करो तो सॉल्ट और वाटर में नो करिलेशन दिख रहा है आपको? नहीं। क्या शुगर और वाटर में नो करिलेशन दिख रहा है? नहीं। तो शुगर का ही हिस्सा लेके जा रहा है ना, वो हनी का लेके जा रहा है क्या इसमें? अच्छा, मतलब शुगर और वाटर में सम का रिलेशन आएगा। अच्छा ये बताओ, सॉल्ट पूरा का पूरा वाटर में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? हाँ, जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी राइट, सो सम नॉट, रॉन्ग। रॉन्ग, पहले का आंसर आपका रॉन्ग। सेकंड बताओ। सेकंड वन क्या था सर? सेकंड वन मेरे को समझा है, सम हनी इज वाटर इज पॉसिबिलिटी। सम हनी बीइंग वाटर इज पॉसिबिलिटी। रॉन्ग। रॉन्ग हो गया। हाँ ये समझ गया। तो क्या हमारा ये राइट है जो हमने किया है? एक मिनट। नहीं सर, वही आपने जो बताया वो राइट है। आंसर बताओ, क्या मैंने सही किया है? हाँ आपने सही किया है। तो मेरा सम नॉट का कॉन्सेप्ट कैसे रॉन्ग हो सकता है, मेरा क्वेश्चन यही है। नीता मैम कंफर्म कर लो। हाँ सर। ठीक है चलो। आपने भी हमें ABCD का बताया, वो एक बार ट्रिक बताइए ना सर, कैसे सॉल्व करना है सर ऐसे क्वेश्चंस? ABCD का जो AB वो जो AB नहीं सर, ABC ABCD वो वाला सर, अभी लिया था ना सर, ई आया था आंसर। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मैम, देखो ना ये सब ऑब्जर्वेशन का खेल। ABCD ABCD ABCDE तो ABCD- क्वेश्चन मार्क। देखो सीरीज बढ़ रहा है, देखो AB, अच्छा कॉमन देखो सब में क्या है, AB 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 AB, बरोबर कॉमन यही आ रहा है। बताओ मैम, प्रियंका मैम। हाँ सर। हाँ कॉमन AB आ रहा है, ये देखो कॉमन AB सब में आ रहा है। क्या करो, यहाँ पे एक बार AB आया, स्लैश करो, अब ABC आ रहा है। अब ये ऑब्जर्वेशन रखो, पहले तो AB आया, फिर CB आ गया, फिर स्लैश किया, फिर DB आ गया, स्लैश हो गया, फिर EB आ गया, स्लैश हो गया। तो देखो B से C हो गया, C से D हो गया, D से E हो गया, उसके बाद क्या आएगा लास्ट में? F हाँ सर, F आएगा। यहाँ पे E और यहाँ पे आंसर आ जाएगा F हमारा। इसी तरीके से सर ये कौन सा है? कोडिंग डिकोडिंग का है सर। एक ऐसी नंबर सीरीज में भी आता है ना, जैसे स्क्वायर का रहता है, क्यूब का भी रहता है, वो नंबर सीरीज मैथमेटिकल रहता है, रीजनिंग में भी रहता है, लेकिन रीजनिंग का थोड़ा अलग है, मैथमेटिकल का थोड़ा अलग है, सीरीज में भी। हेलो, हां इनइक्वालिटी क्या बोल रहे हो? इनइक्वालिटी सर। हां मैम बोलो ना क्वेश्चन। जी इज इक्वल टू सी, एक मिनट रुको। बोलो जी, जी इज इक्वल टू सी, जी इक्वल टू सी, उसके बाद स्मॉलर देन और उसको कट किया हुआ है। अरे नहीं नहीं, वो एप्लीकेशन से किया ना। हाँ सर। हाँ ये कट का कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, ये कट का उनके पास फॉर्म नहीं होता है तो ये कट हो जाता है। आपको सॉल्व इसी तरीके से करना है, कुछ नहीं कुछ नहीं। ये होता है एप्लीकेशन में, ऐसा आता है, ऐसा रहेगा तो भी कट होगा, ऐसा रहेगा तो भी कट होगा, उसका कोई मतलब नहीं। मतलब आप समझ जाओ ये साइन होके बट फॉर्म नहीं होता तो उस तरीके से कट हो जाता है, कोई बात नहीं। सर क्या है ये, मतलब समझ नहीं मुझे। ये इनइक्वालिटी चैप्टर है मनीष, हम लोग पढ़ेंगे आगे। ओके सर। ओके सर, मेरा और एक है। हां बोलो अपेक्षा। ऑल डैम आर स्ट्रीम, ऑल डैम आर स्ट्रीम, सम सर स्टील है वो, स्टील मान लो ना, ऐसा हो गया। ठीक है, सम स्टील आर आयरन, आयरन, नो पेन इज स्टील, नो पेन इज स्टील, स्टील हाँ, ओके, कंक्लूजन ओनली स्टील इज डैम, ओनली स्टील इज डैम, रॉन्ग, रॉन्ग है। क्या सिर्फ पूरे का पूरा स्टील सिर्फ डैम डैम है?
ये देखो आयरन भी तो है ना, अगर ऐसा पूछ देता ओनली ओनली डैम इज चीज भी स्टैंडर्ड कंसीडर कर लेते राइट का, बट ये रॉन्ग है. सम सम आयरन आर नॉट पेन, सम आयरन आर नॉट पेन, ऑल आयरन बीइंग पेन इज पॉसिबल. No, no, sir, no. No. Right. Possible, then possibility wrong, so some not. Right. Right. Apeksha, kya answer hai? Haan, sir, yahi answer hai. Okay. Ek bar Nita ma'am confirm kar lo. Sir. Bolo. Sir, mera bhi ek doubt le lijiye na. Boliye ma'am. Some month are week. Month are week. Some week are year. Some week are year. All year are buses. Buses? हाँ sir, buses. ये मेरे ही बनाए हुए questions हैं ma'am. All buses are... नहीं sir, actually वो जो sir ने दिया है ना, जहाँ से practice करने के लिए focus classes है, उसमें मैंने ये question दिया था. ये मेरे ही बनाए हुए questions हैं. मैंने ये मैंने ही बनाया. मेरे बहुत सारे आप बता दीजिए. मुझे नहीं समझ में आया. हाँ, सर आप बता दीजिए. ऑल बसेस आर ट्रेन. ऑल बसेस आर ट्रेन. ट्रेन कहाँ पे? यहाँ पे. नहीं सर, अभी ऑल ईयर आर बसेस, उसके बाद ऑल बसेस आर ट्रेन है, एक और है. ऑल बसेस आर सर स्टेटमेंट है. ट्रेन. हाँ सर स्टेटमेंट है. अभी कंक्लूजन है, सम वीक्स आर नॉट ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी. ऑल वीक्स पॉसिबिलिटी. ओके फिर से पूछो. पूछो सम सम वीक्स आर नॉट Train is a possibility. Wrong. Sir, already here. Some weeks are not train is possibility is correct. Some दिया है उसे. Right. Some दिया है. तो देखो, train का इतना इतना week में है. अच्छा देखो ma'am, इतना इतना week में है ना? हाँ sir. तो क्या मैं इस week का position note कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? हाँ sir. बोलो. हाँ सर. तो देखो इस तरीके से राइट है हमारा पहला वाला. अच्छा और एक तरीका बताता हूँ. सम वीक ऑल वीक. देखो पूरा का पूरा वीक क्या ट्रेन में जा सकता है क्या, पहले ये बताओ. हाँ सर. देखो पूरा का पूरा नहीं जा सकता. हाँ सर जा सकता है. जा सकता है. रुक जाओ रुक जाओ, मैं बताता हूँ दो तरीके सॉल्व करने के. अच्छा नहीं ऑलरेडी क्या पूछो पूछो नीता मैम पूछो. क्या पूछे सर? क्या ऑलरेडी पूछिए मैम. किसने पूछ रही हूँ? किसने पूछा था ऑलरेडी? क्या बोला? किसने से बोला? नहीं सर आप बताइए ना, मैं ही बोल रही थी, आप बताइए क्या बता रहे हैं. देखो मैं ये कह रहा था इसको दो तरीके सॉल्व करें. आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, जैसे बोला सम वीक आर नॉट ट्रेन, वीक का कुछ हिस्सा ट्रेन आर पॉसिबिलिटी. मैं क्लियर लिख देता हूँ, पॉसिबिलिटी पूछा है ना, विच इज नॉट 100%. ठीक है हमें बनाना पड़ेगा. तो देखो ये ट्रेन का कितना सा हिस्सा है वीक का इतना सा हिस्सा ही है ना वीक का, मुझे बताओ बाकी है क्या? तो पॉसिबिलिटी बनाना ना, इतना रॉन्ग कर देंगे हम, इसको क्रॉस कर देंगे, पॉसिबिलिटी बन गई. ये एक तरीका है. दूसरा तरीका ये है कि जब भी सम और नॉट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी राइट देन सम नॉट रॉन्ग, पॉसिबिलिटी रॉन्ग देन सम नॉट राइट, यही करते थे बरोबर. बट यहाँ पे सम नॉट प्लस पॉसिबिलिटी तीनों आया है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो उसी तरीके से सॉल्व करेंगे सम नॉट के तरीके से. ऑल वीक बीइंग ट्रेन इज पॉसिबल, क्या पूरा का पूरा वीक ट्रेन में जा सकता है? यस सर. यस सर. जा सकता है मतलब पॉसिबिलिटी राइट, सो सम नॉट रॉन्ग आना चाहिए. बट यहाँ पे सम नॉट के साथ क्या दिया है? पॉसिबिलिटी. तो याद रखना जब भी ऐसा आएगा फिर वापस वही राइट हो जाएगा, मतलब समझ जाना अगर ऊपर रॉन्ग है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा. क्लियर? अगर सर बट आपने तो बोला है सम नॉट तरीके से टैकल करना है इसे. हां तो किया ना, दो तरीका बताया ना मैंने, डायरेक्ट सॉल्व करके तरीके से सॉल्व कर लो. देखो दो तरीके होते हैं, इसको सॉल्व करके डायरेक्ट रॉन्ग कर दो कि हो सकता है करेक्ट. दूसरा तरीका ऐसा है इसको हटा दो. अभी तक हमने सम नॉट में क्या सीखा था कि पॉसिबिलिटी राइट सम नॉट रॉन्ग, जब पॉसिबिलिटी ये नहीं दिया हो तो पॉसिबिलिटी राइट सम नॉट रॉन्ग, क्योंकि सम और नॉट अभी तक सीखा था हमने बरोबर. स्टूडेंट बताओ. हां सर. अरे बताओ हमने ये सीखा था क्या, इतना सीखा था सम और नॉट? तो हमारा यही तक था रूल, क्या था? पॉसिबिलिटी और सम नॉट, यही था ना? हां सर. बट यहां पे ऐड हो गया कि पॉसिबिलिटी,
तो हमें फिर से पीछे जाना पड़ेगा, फिर से पीछे जाना पड़ेगा। जो पॉसिबिलिटी आपका करेक्ट हो रहा है वही आपका अगेन पॉसिबिलिटी में करेक्ट हो जाएगा, जो पॉसिबिलिटी आपका रॉन्ग हो रहा है वो अगेन पॉसिबिलिटी में रॉन्ग हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात रखना, यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी लिख दे तो घबराना नहीं, आप लोग एक ही फॉर्मूला अप्लाई करो, दूसरा तरीका मेरा वाला ये अप्लाई मत करो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पक्का होने के बाद ही अप्लाई करना है। हमें एक ही रूल सारे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। हमें क्या करना है, जब भी सम आया, नॉट आया, पॉसिबिलिटी आया, तो पहले आप क्या करो, सब नॉट के तरीके से सॉल्व करो। ऑल वीक ट्रेन इज पॉसिबल है क्या, ये भूल जाओ पॉसिबिलिटी लिखा है करके, बताओ मुझे ऑल वीक ट्रेन इज पॉसिबल। हाँ सर पॉसिबल है। तो हमारी पॉसिबिलिटी राइट, तो सम नॉट क्या हो जाएगी, रॉन्ग सर, रॉन्ग। बट यहाँ पे क्या दिया है, पॉसिबिलिटी दिया है ना। हाँ सर। तो अगेन रॉन्ग को राइट कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा राइट। नीता मैम किसने पूछा था ये, मैंने पूछा था सर। प्रिंसी आंसर बताओ क्या है, प्रिंसी आंसर बताओ। हेलो सर, पर ये तो रियलिटी है ना। प्रिंसी बताओ आंसर, एक मिनट। राइट या रॉन्ग, राइट है जो आपने बताया वो राइट, राइट है। ठीक है चलो दीपाली पूछो। ये तो रियलिटी है, सेकंड में है, सेकंड कंपटीशन। एक मिनट सेकंड, हाँ एक मिनट, रियलिटी कहाँ है मैम, कहाँ रियलिटी है दीपाली, रियलिटी कहाँ है? वो वीक उसके ट्रेन के अंदर पहले से ही है ना, ऑल में है कि सम में, सम दीपाली देखो ऑल में कि सम में, हम ऑल से लेते हैं ना पॉसिबिलिटी, सम नॉट के क्वेश्चन को टैकल करते हो, ये सम में रिलेशन है, अगर ऑल में होता तो मैं इसको रॉन्ग कर देता। सर एक और है, पूछो मैम पूछो। नो बसेस आर, नो बसेस आर वीक, इट्स अ पॉसिबिलिटी। फिर से बोलो। नो बसेस आर वीक इज अ पॉसिबिलिटी, नो बसेस आर वीक इज अ पॉसिबिलिटी, वीक रॉन्ग। यही है ना, हाँ सर वही है, नो बसेस आर वीक इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी रॉन्ग। सही है मेरा आंसर? हाँ आपका आंसर तो सही है, बट अब एक बार बता दीजिए ना, बता दो मैं क्लियर करता हूँ। यहाँ पे बोला है नो बसेस आर वीक इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में पूछा है क्या बस और वीक में नो का रिलेशन हो सकता है क्या। तो देखो बस और वीक में क्या रिलेशन आ रहा है आपको, वेन डायग्राम क्या दिख रहा है, सम का रिलेशन, नो का रिलेशन नहीं आएगा। देखो अगर बस यहाँ पे अगर ऐसा पूछता है सम बसेस आर नॉट वीक, तो ये राइट हो जाता क्योंकि थोड़ा सा वीक है ना साइड में जो बस नहीं है, तो सम नॉट करते तो राइट हो जाता। ठीक है, बट यहाँ पे पूछा है नो, नो का मतलब होता है पूरा का पूरा कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे अगर अब डायग्राम इस तरीके से होता कि वीक दिया है और बसेस इधर है, और यहाँ पे मान लो कोई यहाँ पे ये क्या है एम पकड़ लो मंथ, और मंथ और बस में नो का रिलेशन है। प्रिंसी किससे पूछा था, प्रिंसी? हाँ सर मैंने पूछा। देखो प्रिंसी मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे अगर पूछता ये हमारा वीक, वीक और नो, नो बस आर वीक इज अ पॉसिबिलिटी, तो देखो नो बस आर वीक इज अ पॉसिबिलिटी, बस और वीक में नो का रिलेशन पॉसिबल कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, कि दोनों दूर दूर है, कोई रिलेशन नहीं है, समझ रहे हो? हाँ सर। बट यहाँ पे बस और वीक सम के रिलेशन में है, तो हम नो कैसे कर सकते हैं, क्लियर मैम? क्लियर बताओ प्रिंसी, क्लियर? हाँ सर हाँ क्लियर। चलो और किसका डाउट सर? वो पॉसिबिलिटी सर, रुको रुको रुको, वो पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग ही होगा फिर। ये पॉसिबिलिटी तो है, ये तो पॉसिबिलिटी है ना, क्वेश्चन इज पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग ही किया ना हमने, बट नो बस और वीक तो है ही नहीं रियलिटी में, सम का रिलेशन है ना, नो का कहाँ है सर? अगर कोई रिलेशन ना हो तो हाँ? सर आपने ऊपर बताया ना ऊपर वाले डायग्राम में, वहाँ पे कुछ है ही नहीं। अगर कोई रिलेशन ना हो तो हम नो का रिलेशन कर सकते। अच्छा हाँ,
हेलो जब स्टेटमेंट में सम नॉट दिया हो तो उसके कौन से कंक्लूजन राइट होते हैं? किसमें? स्टेटमेंट में सम नॉट दिया हो तो उसके कौन से कंक्लूजन राइट होते हैं सर? स्टेटमेंट में सम नॉट? हाँ सर, स्टेटमेंट में सम नॉट दिया हो तो देखो मैं ये रफ कर दूं क्या? मैं कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दूं? हाँ सर करो ना। बाकी लोग का हो गया लिख के? हाँ सर कर दीजिए। देखो आपने हमेशा यही देखा होगा कि कंक्लूजन में सम नॉट आता है, राइट? स्टेटमेंट में भी सम नॉट आते हैं, ये मैंने बता देता हूँ। देखो सम ए इज नॉट बी, अगर ए का कुछ हिस्सा बी नहीं ना सर? नहीं, ए का कुछ हिस्सा बी नहीं, बस इतना ही, कोई फर्क नहीं है। हाँ सर ठीक है। देखो ऑल बी बीइंग ए इज पॉसिबल, पॉसिबल देखो पूरा का पूरा इतना सा ही हिस्सा है ना जो नहीं है, बाकी तो थोड़ी ना है, पूरा पूरा बी जा सकता है। बट ऑल ए बी, ए बी पॉसिबल, पूरा का पूरा ए बी में जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। नहीं बस यही कॉन्सेप्ट है, सही बस इतना ही है ना सर? बस इतना ही है, ठीक है ठीक है, समझा सर, थैंक यू सर। सम ए बी में जा सकता है ना? सम ए बी में जा सकता है, क्यों? क्योंकि जो इतना सा ही हिस्सा बी का है ना, बाकी थोड़ी ना है। तो मैं अगर मैं सम में बनाऊं तो वो डायग्राम इस तरीके से बनना चाहिए। देखिए ये बी है, ये ए है, और ये हो गया नो करिलेशन। फॉलो हो गया कि नहीं बताओ? फॉलो हुआ कि नहीं? हो गया। बट पूरे का पूरा अगर ए जाएगा बी में तो ये भी तो लेके जा सकता है ना, हिस्सा लेके जाएगा जो बी अलाउ नहीं करेगा। क्लियर? हाँ सर। सपना मैम ने देखो आपको भेज दिया। मिल गया, मुझे मिल गया, कब का मिल गया सर? हाँ बस थोड़ी सर, एक, कर सर एक, एक ले लीजिए ना सर, सिलॉक्स का ही है। बोलो मैम। ऑल हिल्स आर माउंटेन, सिलॉक्स से बहुत तकलीफ हो रहा मुझे ऐसा लग रहा है। सम माउंटेन आर स्टेट्स, ओके। ऑल स्टेट्स आर कंट्रीज, हाँ बोलिए सर। ऑल हिल Being countries possibility, ये तो समझा सर मुझे, but sir second है some country not being mountain is possibility, some country not being mountain is possibility, not being mountain is possibility, some country not being mountain is possibility is correct, right? Some का relation पूछे ना, और थोड़ा पूछे, तो इतना ऐसे बना दो, मतलब कंट्री का माउंटेन के साथ नो करिलेशन, बाकी रहने दो। जैसे अभी जस्ट पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, क्या आंसर है मैम बताओ जरा सेकंड वाले का? सर एक मिनट, हां चेक कर लो क्या मैं सही हूं सर। सर ऑल हिल बीइंग कंट्रीज पॉसिबिलिटी ऐसे ही करना है ना सर सेम? नहीं एक मिनट, एक मिनट पहले ये बताओ मैंने जो सही किया है क्या वो सही है? फटाफट बताओ। हाँ सर फॉलो है वो। फॉलो है ना, ठीक है आप समझो कॉन्सेप्ट। जैसे देखो क्या यहाँ पे नो बोला है क्या? No country being mountain is a possibility. तो देखो अगर no बोलता तो no जब कब आएगा? जब दोनों बहुत दूर होंगे। Already सम में है तो no तो आएगा नहीं, बरोबर? जब ये already सम के relation में तो no तो आएगा नहीं, तो ये तो wrong हो जाएगा। But यहाँ पे पूछा क्या है? Some country not being mountain is a possibility, यही पूछा है ना? But देखो सम बोला है। हाँ सर हाँ। कंट्री का कुछ सा थोड़ा सा कंट्री का कुछ माउंटेन कुछ कंट्री में है, और बोला कि कंट्री का कुछ माउंटेन में नहीं है तो बना दो ना कहीं पे भी नो करिलेशन बन जाएगा, पॉसिबिलिटी तो है, वो बन गया कि मतलब हिस्सा इतना हिस्सा कंट्री का नहीं है, बाकी हो गया। बट अगर नो पूछता देन 100% रॉन्ग हो जाता। क्लियर? हाँ सर समझा सर। ऑल हिल बीइंग कंट्रीज पॉसिबिलिटी, ऑल देखो ये नो तो नहीं है ना, ठीक है। ऑल हिल बीइंग कंट्रीज पॉसिबल, पॉसिबल पॉसिबल है ना सर? सर इसी के ओके सर, ओके। क्या सर, पूछो, पूछो, पूछो क्या डाउट है? डाउट क्लियर कर लिया करो मैम, छोड़ो मत।
क्लियर है ना सर? ऑल हिल बीइंग नॉट ऑलरेडी नो का रिलेशन है ही नहीं सर, तो जा सकता है ना सर? बिंदास जाएगा, कोई प्रॉब्लम, बस रियलिटी नहीं होना चाहिए सर। अगर पॉसिबिलिटी नहीं होता तो नहीं सर, आपने अभी बताया ऑल हिल कंट्री रॉन्ग सर, आपने अभी जस्ट ऑल हिल कंट्री रॉन्ग हो जाता अगर पॉसिबिलिटी नहीं होता तो, बट यहाँ पे इन्होंने पॉसिबिलिटी पूछा तो इसमें करेक्ट हो गया। हाँ बोलो प्रियंका मैम। सर कंफ्यूजिंग हो रहा है। अरे नहीं नहीं कंफ्यूजन कुछ नहीं है, रुको मैं बताता हूँ। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर वन, ऑल हिल सर आपने अभी बताया कि सम नॉट के तरीके से टैकल करना है, ठीक है? सम नॉट के तरीके वापस से पीछे जाना है। देखो सम नॉट के तरीके कभी टैकल करना है जब सम भी आए, नॉट भी आए और पॉसिबिलिटी, जब तीनों साथ में आए तब वो फॉर्मूला में ऐड करना है। बट ओनली सम नॉट आया और पॉसिबिलिटी नहीं आया तो जो दो वाला है वो फॉलो करना है। क्लियर? ओके सर ओके। अभी देखो ऑल हिल इज अ कंट्री, क्या आपको ऑल हिल कंट्री दिख रहा है क्या वेन डायग्राम में? नो तो ये नो सर नो। बट अगर मैं यही पूछूं ऑल हिल विंग कंट्री इज अ पॉसिबिलिटी, अब बताओ। हां सर पॉसिबल है सर। बस क्या कंफ्यूजन है, कुछ भी तो नहीं है वो, सब बीइंग नॉट रहता तो भी राइट होता ना। ऑल नहीं आएगा फिर, सम में आएगा फिर। तो वही सम। हाँ अगर नो दे देगा, देखो ऑल नहीं आएगा, अगर नो हिल बीइंग कंट्री, नो हिल बीइंग कंट्रीज पॉसिबिलिटी तो नो, देखो दोनों दूर दूर है right. देखो दोनों दूर दूर है कि नहीं मनीष? हाँ सर। तो बना दो बीच में, हो गया रॉन्ग, पॉसिबिलिटी है करेक्ट हो जाएगा। चलो सर इतना ही सर, इतना ही ध्यान में रखना है ना, मतलब सम नॉट और पॉसिबिलिटी आए तो वो तीनों तरीके से। एक मिनट रुकिए मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो सम नॉट के क्वेश्चंस जब भी आएंगे, सम और नॉट आएंगे ना, तो मेरा वाला जो फॉर्मूला है कौन सा, कि पॉसिबिलिटी राइट तो सम नॉट रॉन्ग, ठीक है? अगर पॉसिबिलिटी रॉन्ग सम नॉट राइट, ये आपको इस फॉर्मूले में लगाना है पहला। सेकंड, अगर आपको सम भी दिया है नॉट भी दिया है देन पॉसिबिलिटी भी पूछ लिया, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, पॉसिबिलिटी राइट सम नॉट रॉन्ग, यही करते आए हो ना? यही करते आए हो ना? मैं एक रूल ही फॉलो करने के लिए बार बार बोल रहा हूँ, क्यों? क्यों चाहता हूँ तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि पॉसिबिलिटी राइट हो जाएगा मतलब कर देना, लेकिन नहीं, मैं आपको इजी कर रहा हूँ और कि एक ही रूल से सारे क्वेश्चन बनेंगे। पॉसिबिलिटी राइट सम नॉट रॉन्ग तो देन अगेन पॉसिबिलिटी राइट, अगर पॉसिबिलिटी रॉन्ग सम नॉट राइट देन अगेन पॉसिबिलिटी रॉन्ग, ये रिवर्स चले जाना है कब, जब सम भी आए नॉट भी आए पॉसिबिलिटी आए एक ही कंक्लूजन में, तब ये रूल फॉलो करना है। बट अगर सम और नॉट आया तो ओनली दो वाला रूल फॉलो करना है। क्लियर? निकलो चाहिए तो इसे सर, वो फर्स्ट वाला पॉसिबिलिटी और है ना? क्या क्या फर्स्ट वाला जो आपने पॉसिबिलिटी लिखा है दोनों में वो ऑल है ना? मतलब क्या समझा नहीं सर, ये पॉसिबिलिटी जो लिखा है ना फर्स्ट वाला, हाँ उसका मतलब ये होता है ना कि ऑल कंट्री इज हिल इज अ पॉसिबिलिटी, या सम के ये पे ऑल से इमेजिन करना है। हाँ वही बोल, चाहे इधर हो चाहे इधर हो दोनों ऑल से इमेजिन करना। हाँ ठीक है लिख लो सर। आप सर हाँ सर ये सेकंड वाला फिर से एक्सप्लेन करो ना, पॉसिबिलिटी और नीचे जो सेकंड वाला। देखो प्रिंसी, अगर एक क्वेश्चन एक ही कंफ्यूजन में सम भी आया नॉट भी आया साथ ही साथ पॉसिबिलिटी भी, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिखा है सम नॉट लिखा है अगेन पॉसिबिलिटी लिख लेना, तो आप क्या करना है उसी तरीके से सॉल्व करना जो ये वाला फॉर्मूला, अगर पॉसिबिलिटी राइट तो सम नॉट रॉन्ग, तो बट यहाँ तक रुकना नहीं है, क्यों? यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूछा है तो अगेन पॉसिबिलिटी मतलब वापस रिवर्स जाना है, मतलब वापस ये राइट हो जाएगा, समझ रहे हो सर? इसीलिए रॉन्ग आ रहा था सर आंसर, क्योंकि वो रिवर्स नहीं गया ना, आपने बोला कि समान तरीके से टैकल करो तो इसीलिए सर वहां पे अटक गया, इसीलिए डाउट आ गया। आपने मुझे सिलॉक्स के टाइप में ये पूछा था, मैंने क्या कहा था कि जब मैं सिलॉक्स पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें क्लियर करूंगा, तो अभी तक हमारा शायद हुआ नहीं है सिलॉक्स का, ऐसा लग रहा है मुझे सर। पॉसिबिलिटी चालू है सर, चालू है ना? वही तो सम नॉट में मैंने कहा था ना आपको सम नॉट में सिखाऊंगा ये वाला। हां सर वो बाकी है पूरा, मैंने बताया था ना कि सम नॉट में सिखाऊंगा बाकी है।
बाकी है, सम नॉट बाकी है, सम नॉट ओनली बाकी है, ओनली फ्यू बाकी है, तीन बाकी है हमारा। यस सर। तो मैंने कहा था ना कि जब मैं सम नॉट सिखाऊं तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। आपने थर्ड लेक्चर में क्वेश्चन पूछा था मैम पॉसिबिलिटी का, तभी मैंने कहा था कि मैम सर पूछा था, नहीं सर आपने बोला था हमें कि सम नॉट तरीके से टैकल करो, आपने इतना बोला था सर कि कैसे टैकल करो और उसको, अच्छा मैंने ऐसा कुछ कहा होगा क्या, लेकिन अभी समझ लो, अभी समझ लो ठीक है। अभी किसी का डाउट है सर, एक छोटा सा ही है। हाँ इसमें तो पूछो, वो ट्रायंगल का भेजा था ना मैंने, वो विच ऑफ द विच ऑफ दिस डज नॉट फॉलो अ पाथ ऑप्शन है, पजल में एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजा था, ट्रायंगल वाला पजल था, ट्रायंगल का पजल था। हाँ ट्रायंगल में छह लोग बैठे हैं, एक मिनट देख रहा था मुझे, किसको भेजा था आपने? ज्योति मैम को। ज्योति मैम को ट्रायंगल वाले पजल, आपने ट्रायंगल का स्क्रीनशॉट भेजा है क्या? मैम बताओ, एक ही क्वेश्चन है और नीचे ट्रायंगल का स्क्रीनशॉट भी है। नहीं मेरे को क्वेश्चन नहीं है, नहीं है मैम, नहीं है क्वेश्चन। चलो आप पजल सॉल्व करते हैं संतोष का, इन अ बिल्डिंग। हाँ सर, कोटेड सिलॉक्स ये क्या है? कोटेड सिलॉक्स, हाँ कोडेड सिलॉक्स नहीं सुना था, रिवर्स सिलॉक्स सुना था मैंने। कोडेड सिलॉक्स क्या है? ग्रेड अप पे आया था, कोडेड सिलॉक्स है और रिवर्स सिलॉक्स है और एक रिवर्स सिलॉक्स, ये तो है हमारा बाकी है सीखना, बट कोडेड सिलॉक्स वो कोड ऐसा दे देगा, अरे कोडेड सिलॉक्स में क्या होगा मैं बता देता हूँ, एट द रेट का मतलब दे देगा ऑल, डॉलर का मतलब दे देगा सम, परसेंटेज का मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क का दे दिया नॉट, बस यही तो होगा, बस इसका मतलब ये समझो, इसका मतलब ये समझो, सॉल्व वही करना है, कुछ नहीं है। मैं हाँ सर, कोडेड सिलॉक्स है जो ये वाला, वो बैंकिंग में आएगा में? नहीं आता मैम, मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो बैंक में, डोंट वरी कोडेड नहीं आता, रिवर्स आता है जो मैं सिखाऊंगा, रिवर्स आता है प्री में भी आता है? नहीं रिवर्स प्री में नहीं आता, मेंस में आया तो आया, नहीं तो वो भी नहीं आ रहा है आजकल, तीन साल से तो नहीं आ रहा। लेकिन सर पूरा सिखा के रखो। मैं सिखा देगी, मैं सिखाएंगे। देखो कोडेड में क्या होता है, देखो सिंपल सी बात होता है, ऑल जैसे ऑल ए इज बी दिया होना, तो आपको इंस्ट्रक्शन में दे दिया कि डॉलर का मतलब होता है ऑल, तो ऐसा क्या करेंगे वो ए डॉलर बी, तो आप समझ जाना कि ऑल ए इज बी, यही तो है बाकी कुछ नहीं है। सर एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट कब आएगा, क्यों आ गया? एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट कुछ और, मैं भी सुना टाइम है सर, कितना टाइम, टाइम हो गया उसके एग्जाम के, प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं हुआ ना कहीं कहीं पे? प्रीलिम्स हो गया ना मैम? नहीं कहीं कहीं पे हुआ नहीं, ऐसा आ रहा है न्यूज में। मैम आपके क्वेश्चन आ गए? हाँ हाँ ये मिला था क्वेश्चन मुझे, सॉरी सॉरी ये मुझे मिला था क्वेश्चन, एक मिनट क्वेश्चन बता देता हूँ आप लोग आंसर करना। फोर ऑफ द फॉलोइंग, संतोष मुझे लग रहा है ना आपका पजल रह ही जाएगा। कोई नहीं सर, मैं आपको सॉल्व करके चाहिए तो भेज देता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चंस ले लेता हूँ, ये आपके जो पजल्स है ना बहुत अच्छे हैं। सॉल्व पीछे वो अड्डा के बुक में सॉल्व है, पर वो कॉन्सेप्ट नहीं पता ना कैसे समझ में आ रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपके जो पजल्स है ना बहुत अच्छे वाले हैं, ये मैं चाहो तो लेक्चर में ले लेता हूँ, आज हम लोग छोटे छोटे ले लेते हैं, क्योंकि आपके पजल ये तो इजी है, कुछ भी नहीं है, चार दो चार छः हैं, दो चार तीन हैं, कोई भी बिठाना है और लॉयर दिया दो वेरिएंट बन जाएगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये पजल आपके अच्छे हैं, मैं बुक में मेंशन करने का सोच रहा हूँ। सर नीचे क्रेडिट दे देना मुझे। क्या 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 बोल रहे हो? क्रेडिट दे देना सर। हम लोग शॉल लेके आएंगे, फूल ऐसा लेके चढ़ाएंगे।
मैम ये देखो यही था आपका क्वेश्चन, मैम यही था क्वेश्चन आपका, ये ट्रायंगल दिया है, एक मिनट रुक जाओ, दूसरे वाले इसमें है ट्रायंगल वाला आंसर, ये दिया है बी, ये दिया है एफ, ये दिया है सी, ये दिया है ए, ये आउटसाइड डी, ये आउटसाइड ई। स्टूडेंट आंसर बताओ क्या आएगा, इस डायग्राम को देख के ऑड वन आउट ढूंढो। डी सी पी और एफ सर। चलो बताओ स्टूडेंट क्या आ रहा आंसर, आंसर बताओ। अरे आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ हाँ बताओ आंसर। अरे हुआ नहीं है। मनीष नहीं, मनीष आप रहने दो क्योंकि आपका हुआ नहीं है। हाँ सर ठीक है, कोई बात नहीं, आप आपसे ऑब्जर्व करो, आपको अगली बार जब होगा ना सॉल्व हो जाएगा। बाकी लोग बताइए, ओल्ड स्टूडेंट कितने भी हैं, संतोष आप बताओ, स्नेहल, स्नेहल आपसे उम्मीद है मुझे आंसर की, संतोष आपसे उम्मीद है, साहिल, प्रियंका, प्रिंसी, पूनम, नीता, दीनल, स्मिता, अपेक्षा, आरती, आप लोगों से उम्मीद है क्योंकि आप लोगों का हुआ है शायद, तो आप लोग बताओ क्या आंसर आ रहा है। अरे ऑड वन आउट ढूंढना है, नहीं ढूंढ पा रहे हो, ये डाउट किसका था सर मेरा? चलो मैं ही बता देता हूँ, देखो फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव लाइक इन अ सर्टेन वे। हाँ बोलो। जो बाहर के साइड एरो कर रहे ना उनके राइट में है और जो अंदर के साइड कर रहे हैं क्योंकि समझ में। हाँ हाँ सर ये एग्जैक्टली वही है। देखो फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव अ सर्टेन वे फॉर्म अ ग्रुप, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। देखो पांच में से चार एक ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं बट एक जो है वो ग्रुप फॉर्म नहीं कर रहा, वो कौन सा है? चलो सॉल्व करते हैं। डी टू सी, देखो डी टू सी, डी क्या फेस कर रहा है? साउथ। पहले ये चेक करो साउथ, और सी क्या फेस कर रहा है? नॉर्थ। पहले ये चेक करते, रुक जाओ कोई बोलना मत बीच में, एक साउथ फेस कर रहा है एक नॉर्थ फेस कर रहा है। सी टू एफ देखो, सी टू एफ क्या है? एक साउथ फेस कर रहा है एक नॉर्थ फेस कर रहा है। बी टू एफ क्या है? साउथ फेस कर रहा है नॉर्थ फेस कर रहा है। एफ टू बी क्या है? एक साउथ एक नॉर्थ। ए टू ए क्या है? एक साउथ एक नॉर्थ। तो ये होगा नहीं, एरो वाला तो नहीं होगा। अब इसको चेक करो, डी टू सी ये साउथ फेस कर रहा है, मतलब डी के राइट में कौन है? सी है। डी के राइट में क्या है? थर्ड ऑप्शन सर, थर्ड ऑप्शन। हाँ सी टू एफ में देखो, सी के राइट में कौन है कि लेफ्ट में कौन है? लेफ्ट में कौन है? सी के लेफ्ट में कौन है? एफ है। एक मिनट, तो डी के राइट में जो बाहर के साइड दे ना, जो बाहर के साइड देख रहे हैं ना उनके राइट, और जो अंदर के साइड देख रहे हैं उनके लेफ्ट। बी टू एफ तो बी का इनसाइड है, इसका लेफ्ट आया, इसका लेफ्ट आया, और ये बी इनसाइड फेस कर रहा है, इसका लेफ्ट आया। सी हमारा क्या फेस कर रहा है? इनसाइड फेस कर रहा है, इसका भी लेफ्ट आया। डी हमारा आउटसाइड फेस कर रहा है, इसका राइट आ रहा है। इसको देखते हैं एफ टू बी, एफ टू बी क्या है? ये हमारा आउटसाइड फेस कर रहा है, तो इसका आउटसाइड फेस कर रहा है, इसका राइट आना चाहिए, तो इसका राइट आएगा, तो बी बी बरोबर आ रहा है, ये भी बरोबर आ रहा है। ए टू ई, ए हमारा इनसाइड फेस कर रहा है, तो इनसाइड फेस करने वाला सी टू एफ का क्या था? सी टू एफ लेफ्ट आ रहा है, तो ए टू ई भी लेफ्ट आना चाहिए बट ये राइट आ रहा है। ए सर ये राइट आ रहा है ये। हाँ सर आंसर क्या है? सी और एफ है, सी और एफ है। आंसर सी एफ आ रहा है ना, यहाँ पे सी एफ आ रहा है, लॉजिक नहीं बैठ रहा, लेकिन ए टू ई देखो ये बरोबर बैठ रहा है क्योंकि B2F भी राइट फेस कर रहा है सर, और A2E भी राइट फेस कर रहा है। एक मिनट रुक जाओ, देखते हैं। D2C
डी हमारा फेस कर रहा है साउथ, इसके राइट में आ गया सी, मतलब ये राइट में जा रहा है। सर थर्ड ऑप्शन है ना सर। हेलो सर, एक मिनट देखते हैं, रुक जाओ पहले देखते हैं, एक बाद में डिस्कस करेंगे। सी टू एफ ये हमारा नॉर्थ फेस कर रहा है, इसके लेफ्ट में आ रहा है। सी टू एफ डी टू सी, डी टू सी सी टू एफ, देन बी टू एफ, बी टू एफ मतलब नॉर्थ फेस कर रहा है, इसके राइट में आ रहा है। ये नॉर्थ फेस कर रहा है, इसके राइट में आ रहा है, ठीक है। ये नॉर्थ फेस कर रहा है, बी हमारा इसके राइट में आ रहा है। एफ टू बी ये भी हमारा साउथ फेस कर रहा है, इसके राइट में आ रहा है। ए टू ई ये हमारा नॉर्थ फेस कर रहा है, इसके राइट में आ रहा है। सब लोग राइट में आ रहे हैं, ये लेफ्ट में आ रहा है, ये राइट में आ रहा है, भले वो साउथ फेस करे या नॉर्थ फेस करे, ये भी राइट में आ रहा है, चाहे वो साउथ फेस करे राइट फेस नॉर्थ फेस करे, ये भी राइट में आ रहा है, ये भी राइट में आ रहा है, ये हमारा लेफ्ट में आ रहा है, ये हमारा लेफ्ट में आ रहा है, इट मींस ऑड वन आउट। किसका था डाउट ये सर? ये सॉल्यूशन था इसीलिए समझ गया था, अगर सॉल्यूशन नहीं कोई सर ये करते हैं टिक करते हैं। मैं बता रहा हूं क्योंकि हमने ना ये लेने में हमने एक्चुअली यही तरीके सॉल्व किया था, बस बी को मैंने यहाँ पे नॉट कर दिया था और यहाँ पे कुछ लेफ्ट लिखा है, सब कुछ लेफ्ट कंसीडर किया था, इस तरीके से सॉल्व कर रहा था ना मैं, जिसकी वजह से मिस्टेक्स हो गया। क्योंकि एरो से एक पहली बात तो वो लेफ्ट ये एक इनसाइड फेस कर रहा है, एक आउटसाइड फेस कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट से चेक किया तो सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं, सारे एक आउटसाइड फेस कर रहे हैं, मतलब एक इनसाइड आउटसाइड आ रहा है, यहाँ पे भी इनसाइड आउटसाइड आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा था, यहाँ पे भी आ रहा था, यहाँ पे भी आ रहा था, तो वो तो था नहीं। फिर राइट लेफ्ट करके देखा, ये मेरे से मिस्टेक हुआ कि मैं ऐसा करके लिख रहा था तो मैंने घाई घाई में हो सकिया, लेकिन जब मैंने बोला कि रुक जाओ मुझे पता है वो राइट और लेफ्ट वाले ही आंसर आएंगे क्योंकि इसके बाहर नहीं होगा, ऑड वन आउट में इसमें है ही क्या, एक इनसाइड एक आउटसाइड, ये हो सकता है ऑड वन आउट, या तो कॉर्नर या मिडल यही हो सकता है ऑड वन आउट, या लेफ्ट और राइट यही हो सकता है ऑड वन आउट, और क्या हो सकता है इसमें, तो आंसर निकालना तो होगा ही, मिलेगा ही आंसर। चलो और कोई डाउट सर? सिलॉग का एक और सर, नीचे जो सर नीचे जो कंक्लूजन बताओ मेरा था सर। अस्मिता ये समझा आपको? राइट 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 लेफ्ट, ओके। चलो सर मेरे को एक डाउट था, मनीष पूछो, इसमें ही है? हाँ सर इसी में। पूछो मनीष। तो सर जैसे मतलब नीचे जो कंक्लूजन दिया उसी में से मतलब चेक करना है कि अपने हिसाब से भी कर सकते हैं? नहीं नहीं अपने हिसाब से नहीं करना है, यहाँ पे लिखा है 5 में 4 अलाइक इन अ सर्टेन वे फॉर्म अ ग्रुप, मतलब एक ग्रुप तैयार करेंगे, ग्रुप फॉर्म करेंगे, 5 में से 4 लोग एक ही पैटर्न फॉलो करेंगे। ओके सर। पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, वो जो बंदा कौन है जो एक ग्रुप बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब वो आपका आंसर होना चाहिए। हाँ सर समझ गया। ऑप्शन के थ्रू से कर रहे हैं। ओके सर। और देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं और ये आपको दिया हो, पहले समझ जाना कि इसमें है क्या, इसमें क्या है बताओ, या तो एरो वाला है इनसाइड आउटसाइड, एसी में से ऑड वन आउट होगा, यही हो सकता है ना, या तो कॉर्नर बैठा हो या मिडल में बैठा हो, यही ऑड वन आउट हो सकता है, या तो लेफ्ट और राइट, या तो अपोजिट, यही हो सकता है, और क्या होगा? जी सर कुछ होगा, मोस्टली डायरेक्शन ही रहेगा, बाकी डायरेक्शन होता है, इसलिए मैंने पहले डायरेक्शन लिया, फिर राइट करके देखा, ये मेरे से मिस्टेक हो गया कि मैंने घाई घाई में इस तरीके से कर रहा था, मैं निकाल लू, वो मेरे से मिस्टेक, जब मैं आराम से शांति से किया तो मुझे समझा कि ये लेफ्ट आ रहा है, और मैंने विद सॉल्यूशन दिया है, ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने मन से बोल रहा हूँ उसमें, क्योंकि जो मुझे स्क्रीनशॉट भेजा गया है उसमें भी आंसर दिया हुआ था, दिया हुआ था, डायग्राम दिया रहेगा ना क्वेश्चन में? डायग्राम नहीं 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 डायग्राम पजल का है, पजल उन्होंने सॉल्व किया है, स्मिता ने पजल सॉल्व किया, उसका एक क्वेश्चन था। ओके सर। चलो सर डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, पजल में देखेंगे सब सारी चीजें। सर सर एक लास्ट पूछना है सर, बस सर एक मिनट रुक जाओ। हाँ बोलो प्रियंका। सर आपने ये पता नहीं सर पढ़ाया है या नहीं, मतलब मैंने अटेंड किया है या नहीं लेक्चर सर, एक मतलब प्रैक्टिस करते करते क्वेश्चन आया था सेटिंग अरेंजमेंट का ही। हाँ सर ऐसा मतलब बोलू सर मैं? बोलो ना मैम। पी क्यू हाँ सर हाँ हाँ बोलो मैम। सर पी क्यू आर एस टी वी एंड डब्ल्यू आर दी 7 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली,
एक मिनट रुको, पी क्यू आर एस टी वी एंड डब्ल्यू हाँ आर दी सेवन मेंबर्स ऑफ अ फैमिली मेंबर्स ऑफ अ फैमिली हाँ देयर आर थ्री फीमेल मेंबर्स देयर आर यस ब्लड रिलेशन आ गया ओके सर ओके तो ब्लड रिलेशन पजल थोड़ी ना है पता नहीं सर बीच में ही आ गया था वो इसीलिए डाउट आ गया ब्लड रिलेशन तो सर कैसे ये दिखाऊंगा ब्लड रिलेशन हुआ है आपका सर एक ही मतलब एक ही लेक्चर अटेंड किया था उसका तो जब मैं ब्लड रिलेशन सिखाऊंगा ना तभी इसको समझ में आएगा एक दो किया है सर बट इतना याद नहीं है क्या होता है इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि ये बॉक्स वाला भाई बहन स्पाउस का सिब्लिंग्स का ऊपर सर नहीं नहीं सर नहीं सुनिए ना आगे भी है उसके वो ब्लड रिलेशन विद पजल है मैम ब्लड रिलेशन नहीं आएगा तो पजल कैसे आएगा ये मैंने क्वेश्चन शायद लिया है साहिल संतोष ये क्वेश्चन लिया था ना ब्लड रिलेशन विद पजल पहले यहाँ से लिए लिए तो ये आपको तभी सिखा पाऊंगा जब आपका ब्लड रिलेशन स्ट्रांग होगा नहीं तो मैं कुछ और सिखाऊंगा बाउंस होते चला जाएगा तो वो भी स्टार्टिंग से सिखाऊंगा ना अरे काम करो मैम हाँ स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से काम करो मैम किसने पूछा प्रियंका मैम आप काम करो ज्योति मैम को ये क्वेश्चन भेज दो उन्हें बोलो अभी भेजने के लिए सर भेजा है दो बार भेजा आपको तो अभी दो बार भेजा मुझे नहीं मिला ना मैम सर आया अरे ऐसे कैसे सर अभी भी हमने उन्हें बोला कि सर अभी भेज दीजिए हाँ हाँ मिला 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 चलो और कोई डाउट नो सर सर पता नहीं लूँ ना अच्छा सर ये सॉल्व करके बताएंगे ना आप हमें लेक्चर में सॉल्व करते हैं कौन सा लूँ मेरे पास दो है साहिल प्रियंका मैम का भी क्वेश्चन है और मेरे पास संतोष का भी क्वेश्चन है सर कौन सा भी लो संतोष वाला अच्छा संतोष सर सर ये थोड़ा अलग है सर ब्लड रिलेशन है सर साथ में दोनों समझ जाएगा ठीक है कौन सा भी लो सर चलो लेकिन हमारे पास टाइम कम है चलो लेकिन सॉल्व करते हैं पी क्यू आर एस टी बी एंड डब्ल्यू आर दी सेवन और कोई छोटे छोटे डाउट नहीं है ना किसी को डाउट है छोटे छोटे बता दो There are आप लोग भी साथ में लिखते हो पजल को आप लोग को मेरी आवाज आ रही है ना हाँ सर हाँ हाँ एज सर बहुत लाइट दिख रहे हैं लाइट दिख रहे हैं अच्छा ये डाउट है और कोई डाउट है क्वेश्चंस में मैं देख रहा हूँ आप लोगों के डाउट सिलॉक्स में ज्यादा आ रहे हैं सर आपका ऑफलाइन लेक्चर अटेंड करना है कहाँ से बोल रहे हो मैम सर कहाँ से बोल रहे हो आने सर हाँ सर हाँ हाँ तो मैम थाने को तो आया था मैं सर वैक्सीन लेना पड़ेगा दो अच्छा अच्छा फिर तो 84 डेज वेट करो सर दादर में तो थाने कब आओगे मैम एक्चुअली सर अटेंड नहीं कर सकते क्या फिर एक भी लिया तो अटेंड नहीं कर सकते आप थाने में रहते हो क्या थाने में रहते हो नहीं सर विक्रोली तो ट्रेन में कैसे आओगे आप सर सर वो एडजस्ट कर लेंगे हम हाँ तो मैं एक मिनट रुको मैम एक मिनट रुको मैम अटेंड ही नहीं करने देते अब वो ठीक है वो घर पे सबके घर पे होता है लेकिन कोई बात नहीं लेकिन मैं कहूँगा कि आप जब कुछ भी हो सकता है मैम सेफ रहना बहुत जरूरी है वैक्सीन ले लेना चाहिए था ये तो संतोष वाले क्वेश्चन से भी हार्ड है सर दादर में कब आओगे पढ़ाने मैम दादर में तो सर पढ़ा रहे हैं ना सर आप घाटकोपर आते हो क्या हाँ मैम
सर घाटकोपर वाला अटेंड कर लेंगे फिर। दादर में भी पढ़ाता हूँ मैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे कॉल दादर में तो अभी मेरा तो दादर में मुझे कॉल आया था मैम का, लेकिन दादर में मुझे थोड़ा मतलब बहुत लंबा पड़ जाता है, इसलिए मैंने डोंबिवली में भी स्टार्ट नहीं हुआ है सर। घाटकोपर भी स्टार्ट नहीं हुआ है ना? घाटकोपर भी स्टार्ट नहीं हुआ है। बहुत हार्ड वाला पजल है मैम ये तो, ये हो पाएगा क्या हमारा 20 मिनट में? मुझे नहीं लग रहा है सर, मेरा तो बेसिक भी नहीं हुआ, मेरे को तो नहीं समझेगा। कोई बात नहीं, आप एंजॉय करो। ओके सर। चलो लेकिन ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हाँ सर, इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। इंटरेस्टिंग भी बहुत हार्ड है। देखा सर तो कुछ अलग ही लगा सर, नया लगा तो सोचा आपको एक बार। नहीं, नहीं, नया नहीं है, पुराना ही है। हाँ सर पुराना है, मुझे नया लगा। इतना कुछ नहीं है, पजल ऐसा कौन सा जो सॉल्व नहीं होता, सब सॉल्व होता है, बट मैं ये कह रहा हूँ हाँ ये मेंस में आता है, लेकिन ये जो है आपने जो भेजा है ये हो पाएगा क्या 12-20 घंटे में, 20 मिनट में? सर क्वेश्चन लिख तो घर पे ट्राई करेंगे, क्योंकि ये 20 मिनट में होने वाला क्वेश्चन नहीं है, मतलब समझा के 20 मिनट में नहीं होगा। चलो ऊपर का हो गया, सॉल्व करेंगे, लेकिन हम लोग ऊपर का एक पैराग्राफ थोड़ा फुर्ती लिखा हो तो मैं रफ कर देता हूँ। हो गया, बताओ सर ये मेंस में आ सकता है ना सर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस? ये मेंस में आते हैं मैम ऐसे वाले क्वेश्चन, क्योंकि देखो इसमें पहली बात तो फैमिली भी दिया हुआ है, दूसरी बात प्रोफेशन दिया हुआ है, तीसरी बात इनकी इनकम दी हुई है, और ये इनकम दिया प्लस प्रोफेशन इनकम प्लस नेम, तीन वेरिएंट है ये, तो तीन वेरिएंट के क्वेश्चन फ्री में तो बिल्कुल नहीं आते। तो बैंकिंग में भी आता है मेंस में? बैंकिंग के मेंस के एग्जाम में आता है सर, बैंकिंग में बता रहा हूँ सर ये आपको, एसएससी और रेलवे में तो ये छोड़ दो कभी आएगा नहीं जिंदगी में, बहुत इजी आता है एसएससी और रेलवे में। आरती में बोरीवली नहीं पढ़ा था, बोरीवली में कोई और टीचर है सर, मेरा तो रीजनिंग का सब हो गया। और जो पढ़ाया था मैं तो आपके संतोष की हाँ, जो मैंने पढ़ाया था वो एग्जाम में आया था प्रॉपर? हाँ सर 100 पूरा 100% सब आया, 100% आया था। और जो सिलॉक्स पढ़ाया था वो कोई आपका रॉन्ग होता है मेरे कॉन्सेप्ट से? नहीं 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 सर नहीं होता है, बट मेरा तो बाकी सब कुछ नहीं, सिर्फ पजल और सीटिंग में थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, बाकी सब 100% डेली प्रैक्टिस होगा। 5-5 ट्राई करो, 5 पजल 5 सीटिंग डेली करो, बाकी सब एक ही बार बार रिपीट होगा, एक बार आ गया ना यही रिपीट होता है, यही सब बस थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज कर देते हैं। ओके सर। नीता मैम एक बार क्या करो, आप सर से डिस्कस कर लो, ठीक है? ये कह रहा था नीता मैम कि आप एक बार सर को मेरा बुक दिखा दो, बोलो कि सर ने ये सिखाया और आप कुछ थोड़ा सा अलग बोल दो। सर जाने दो, सबनम ने दिखाया था बुक, सर बोले दिखाओ करके, तो सबनम दिखाए थे तो सर बोल रहे थे कि सबका अलग अलग पढ़ाने का ट्रिक होता है, तो फिर मैं भी अभी मत बोलो आप, उनके जब क्वेश्चन आएंगे ना तभी करो आप, क्वेश्चन जब पढ़ाएंगे तभी अभी मत बोलो, शायद उनका हो सकता है कि कुछ और तरीका हो सकता है, देखो अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। सर ट्रिक अलग होगा पर आंसर तो सही आना चाहिए ना? आंसर सेम आना, आपको आंसर से मतलब है नीता मैम, कॉन्सेप्ट कुछ भी हो आपको आंसर मैच होना चाहिए। तो देखो अगर सर पढ़ा रहे, मैं ये नहीं कहता उन्होंने वो पढ़ा रहे मतलब एक लेवल पे है, वो ऐसा नहीं है, वो पढ़ा रहे मतलब एक लेवल पे है तभी वो पढ़ा रहे हैं आपको, तो और एक बार उनके जब क्वेश्चन आंसर करेंगे ना वो सॉल्व तभी मैच करना, तब मेरे कॉन्सेप्ट भी जरा लगाना, देखना जरा कुछ आंसर अलग आ रहे हैं क्या, तब क्वेश्चन करना, अगर उनके आंसर भी आ रहे तो आंसर से मतलब है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो तो आंसर उनके प्रॉपर आ रहे हैं तो मतलब सही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है कॉन्सेप्ट में, क्योंकि देखो मेरे कॉन्सेप्ट अलग होंगे उनके कॉन्सेप्ट अलग होंगे,
सबके अपने अपने फंडे होते हैं, ठीक है? हाँ सर। सर मिस करो ना अभी लिखो। चलो हो गया, रफ कर दूँ, रफ करूँ ऊपर के चार पांच लाइन। हाँ सर कर दो। चलो सर। हाँ जी मैम। मेरे को ना एक ब्लड रिलेशन का ना डाउट है, छोटा सा ही है लेकिन मतलब एक लाइन का मेरे से बन रहा नहीं है इसके लिए। हम्म, बोलो ना क्या है। क्वेश्चन बताओ क्या। बोलो ना। आर हैज टू ओनली टू चाइल्ड पी एन एस। पी एन एस। हाँ एस एस। ओके। एस मैरिड टू हूज सन ऑफ बी। क्या क्या एस मैरिड टू सन ऑफ बी। क्या बोल रहे हो मैम। एस मैरिड टू हूज सन ऑफ बी, मतलब बी का जो सन है ना उससे मैरिड एस कर रहे। ठीक है आगे बढ़ो। ही इज द सन ऑफ एस। पी इज द सन ऑफ एस। एन एस एस सर। एफ फ्रूट्स। पी इज द सन ऑफ फ्रूट। एस फॉर सन सन सर। P is the son of F, यही है ना? No sir, T is the son of S. Sir, T T. T is the son of S. Okay. M is the uncle of T. M क्या क्या? M is the uncle of T. M is the uncle of T, ठीक है? G is the brother-in-law of M. G is the brother-in-law of M. क्या है M? G is the brother in law of M. ये हो सकता है possibility और दूसरा भी हो सकता है, ठीक है? बाद में पूछा how is B related to T? How is B related to T? Simple तो answer है, बताओ answer। Grandson। Sir sir। How is नहीं नहीं how is B related to T? उल्टा बोल रहे हो। Grandfather। हो गया पूनम। मेरे को ये समझा, मेरे को ना वो M का M is the uncle of T and G is the brother in law ना उसमें वो लाइन में कंफ्यूज हुआ। ये देखो मैं यही बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो M इधर भी आ रहा है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक पढ़ो। हाँ एक पढ़ो, सेकंड लास्ट पढ़ो फिर से, क्योंकि T यहाँ पे अंकल बन रहा है, M यहाँ पे अंकल बन रहा है और यहाँ पे ब्रदर इन लॉ भी कैसे बन सकता है, सेम जनरेशन नहीं है। वही सर इसको थोड़ा और इलैबोरेट करोगे सर मेरे लिए? कहाँ पे सर? वही पूरा जो डायग्राम। ये M इधर नहीं आएगा सर, M यहाँ पे नहीं आएगा, मैं वो बोल रहा हूँ, M यहाँ पे नहीं आएगा मनीष। ओके सर। अब मैं समझाता हूँ, R के दो बेटे, R के दो बच्चे हैं, P और S। S ने शादी किया जो B का बेटा है, जो B का बेटा है, तो S का बेटा है तो बेटी से शादी करेगा, तो S को मैंने फीमेल कर दिया, और S का बेटा है T, तो मैंने T को नीचे ले लिया, और M अंकल है T का, तो इसका भाई होगा कोई, तो M यहाँ पे ले लिया, और दो बार M दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, मैम चेक करो एक बार। बट आपके आंसर ग्रैंडफादर ही आएगा, पैटर्नल ग्रैंडफादर, ये आपका आंसर होना चाहिए। आंसर सही है क्या ये बता दो सर। एक्चुअली ना ये आरआरबी का एग्जाम में मेरे को क्वेश्चन है, तो मेरे को M का लाइन से लिए ना मेरे को सॉल्व नहीं हुआ हूं। लेकिन आंसर क्या है, आंसर क्या है, पैटर्नल ग्रैंडफादर है आंसर, मेरे को पता नहीं सर। अरे सर उन्होंने एग्जाम में दिया था इसके लिए उनको आंसर थोड़ी पता होगा। वो मैं ना M का लाइन से ना M इधर, लेकिन इनको क्वेश्चन कैसे पता चल गया सर? मैंने याद किया वो आरआरबी के एग्जाम में हुआ था तो उनको याद है सर। हां इतना याद है तो आपने M का कुछ मिस्टेक किया, M का कुछ मिस्टेक किया रहेगा। हेलो सर। हां अरे अब हम पजल करें, कितना बज रहा है? 8:46। हां नीता मैम बोलो। बोलो बोलो मैम बोलो बोलो सर। क्वेश्चन है सिलक्स का, बोलो मैम। कॉल आर नॉट मोबाइल। कॉल आर नॉट मोबाइल, ये पजल नहीं हो पाएगा हमारा स्टूडेंट, नहीं हो पाएगा। हाँ सर नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा मुझे लग रहा है। टेलीफोन। हाँ क्या क्या? मोबाइल सम टेलीफोन। क्या? मोबाइल सम मोबाइल टेलीफोन। सम मोबाइल टैबलेट सर। कंक्लूजन। ये मेरे वाले क्वेश्चन है क्या? हाँ सर ऐसे सॉल्व करवाया है।
हाँ ये मैं बुक बना रहा हूँ ना तो ऐसा लग रहा है मुझे कि मैंने क्वेश्चन दिया है। बोलो और सर दे रही हूँ क्योंकि मुझे जानना है, मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं बोलिए ना, कंक्लूजन बोलिए। तो दो कंक्लूजन ले लो। हाँ, नो मोबाइल कॉल, नो मोबाइल इज कॉल, करेक्ट। हाँ, ऑल टेलीफोन बीइंग इज अ टैबलेट इज अ पॉसिबिलिटी, करेक्ट। ओके सर, सर एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ चलो, ये पजल नहीं हो पाएगा, हम लोग बाद में लेते हैं इसको, ठीक है? मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि 8:48 हो गया है, लिखने में और 4 मिनट जाएगा। और सर आगे का क्वेश्चन लिखवा दीजिए ना, आप लोग ट्राई करोगे घर पे? हाँ सर, क्वेश्चन का लिखा दो क्वेश्चन। बस एक मिनट रुक जाओ नीता, मैं एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन कम्प्लीट कर लेता हूँ, ठीक है? ये पजल ट्राई करना घर पे, और जिसका नहीं हुआ है बिल्कुल छूना मत, नहीं तो पजल से डर जाएगा। ओके सर, ठीक है, चुना मत कोई, नहीं तो पजल से डर लगने लगेगा। पीस लेस देन, कहा गया मैं सर, लेस देन मोर देन बता दीजिए ना। लेस देन एस क्लियर था, मैं लेस देन मतलब कम, मोर देन मतलब ज्यादा सर, मतलब ऐसे नहीं। देखो पी अर्न मोर देन एस, मतलब पी का अर्निंग एस से ज्यादा है। हाँ सर, ये ओके ओके। एस इज एस अर्न लेस देन पी, मतलब एस का अर्निंग पी से कम है, बस इतना ही है। चलो कहाँ पे था, पी लेस देन एस, और कहाँ पे हूँ मैं? हाँ लिखो, डब्लूज वाइफ अर्न, कल शायद मेरा हो सकता है लेक्चर, तो हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे इसको। आप मॉर्निंग में आओगे? नो सर। संतोष, और ये किसका डाउट है, ये किसका डाउट है, नाम बताओ सर। प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका मॉर्निंग में आओगे? अगर मेरा मॉर्निंग हो सकता है तो शायद मेरा मॉर्निंग में लेक्चर होगा शायद, डाउट सर कहाँ पे? नहीं नहीं, यही ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन ना। हाँ सर, ओके सर, मॉर्निंग का 7 बजे का सर, मॉर्निंग में शायद होगा तो 11:30 के या इवनिंग में होगा 7 to 9 में, फिर भी मैं एक बार, मुझे कंफर्म नहीं है। कल जीए का लेक्चर नहीं होगा क्या? कल सैटरडे है ना सर, सर संडे है, कल संडे, आज सैटरडे है सर। ओ माय गॉड, मैं देखो सैटरडे समझ, मैं फ्राइडे समझ के जी रहा हूँ, मैं सोच रहा था कल आराम से सोऊंगा मैं, बताओ फिर संडे को मस्त उठूंगा। मालूम पड़ा आपका मंडे का लेक्चर मिस हो गया, मालूम पड़ा आपका मंडे का लेक्चर मिस हो गया। अच्छा आप लोगों ने बता दिए, चलो इसे लिख लो फटाफट। तो कल हो सकता है कि शायद अगर मेरा लेक्चर लगा तो हम लोग ये दोनों वाले पजल अच्छे वाले कर लेंगे। सर इवनिंग में लो ना लेक्चर, इंग्लिश का लेक्चर क्यों नहीं हुआ? जीएस मैम, मुझे जीएस वो मैम पता नहीं, मुझे वो पता नहीं, मुझे वो मैनेजमेंट से बात करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, कल इवनिंग में सर का लेक्चर होता है तो मेरा रखना पॉसिबल नहीं है, एक ही टाइम पे दो लेक्चर, बच्चे डिवाइड हो जाएंगे उसके लिए। सर मैं एक एग्जाम के बारे में, हाँ बोलो, वो IDBI एग्जीक्यूटिव का है ना, उसमें कुछ अलग पोर्शन होगा। मैम आवाज आवाज हेलो, हाँ मैम बोलो। IDBI एग्जीक्यूटिव है ना, उसमें कुछ अलग है क्या, मतलब डेटा से एफिशिएंसी? एग्जैक्टली, बैंकिंग का एग्जाम होता है और बैंकिंग के लेवल से बहुत इजी वाला आता है IDBI एग्जीक्यूटिव में, बहुत इजी पेपर आता है। वो डिसीजन मेकिंग का कुछ क्वेश्चंस आते हैं क्या? एक दो नहीं आता मैम, नहीं आता। मैं आपको पोर्शन देखो क्या-क्या आएगा, सिलॉक्स आएगा, इनइक्वालिटी आएगा, सिटिंग आएगा, पजल आएगा, ऑर्डर रैंकिंग आएगा, ब्लड रिलेशन आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, और क्या क्या हो गया, डायरेक्शन आएगा, बस इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सर वो एक्चुअली ऑलिव बोर्ड का फ्री मॉक है ना, उसमें था ये क्वेश्चन। नहीं, ऑलिव बोर्ड मैम एक्सट्रीम है, ऑलिव बोर्ड कभी आपको छूना है पता है? ऑलिव बोर्ड आप तभी छू सकते हो अगर आपका ग्रेड अप अड्डा में आप बहुत स्कोर कर रहे हो। ऑलिव बोर्ड मतलब एक्सट्रीम, मतलब ऑलिव बोर्ड वो कौन छूता है जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है, वो लोग करते हैं, और ऑलिव बोर्ड का लेवल का एग्जाम नहीं आता आपको, इतना ध्यान में रखो। तो वो मॉक टेस्ट कौन देता है, जस्ट आपके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए दिया जाता है, वो मॉक टेस्ट एग्जाम निकालने के लिए नहीं होता है।
वो आपका बहुत हार्ड लेवल का होता है ओलिव बोर्ड, वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए अगर आप करोगे तो बहुत बेहतर है, वो ओलिव बोर्ड जैसा टेस्ट सीरीज कोई नहीं है ओलिव बोर्ड जैसा, बट एग्जाम निकालना है ना तो स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करना है तो अड्डा माना या फिर स्मार्ट कीड़ा। हाँ सर वो सिर्फ पोर्शन देखने का था इसलिए मैंने दे दिया था वो। चलो रन कर दो। सर ये ऑर्डर रैंकिंग कौन सा सब्जेक्ट है, ये बैंकिंग में आता है? बैंकिंग में आता है, देखो ना ए इज ग्रेटर, जैसे ये भी तो ऑर्डर रैंकिंग है दिया ना, शी अर्न्स लेस देन पी, तो कौन शी पता नहीं कौन है शी, मान लो कोई शी है वो पी से कम कमाती है और पी ज्यादा कमाता है किससे क्यू से, तो ये ऑर्डर रैंकिंग ही हो गया ना, मतलब एक ऑर्डर में आया और रैंकिंग आ रहा है, समझ रहे हो? सर वो आईडीबीआई में जीए भी आएगा क्या? वो मैम आपको बुक का मेरा आईडीबीआई का नोटिफिकेशन देखा नहीं है तो एक बार आपको रीड करना पड़ेगा कि आईडीबीआई के इससे नोटिफिकेशन क्या क्या आ रहा है। हाँ जीए भी है उसमें, मैंने देखा नहीं है। वो आईडीबीआई आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा है कि रिजल्ट 1 जुलाई को आ जाना चाहिए या उससे पहले, तो मेरा रिजल्ट 27 जुलाई को आया तो मुझे नहीं मेरा भी 20 जुलाई को अप्लाई करो सर, एक बार नहीं दो दो प्लेस पे लिखा है, अगर फिर पूरा हो गया एकदम सिलेक्शन और फिर बाद में बोल दिया पहले पास हो जाओ, पहले पास हो जाओ अप्लाई करो पास हो जाओ उसके बाद देखेंगे। सर 1000 रुपीस है तो फिर रुक जाओ सर बताइए क्लास एट चल जाएगा सर, मेरा भी 20 जुलाई को आया था। मेरा सजेशन रुक जाओ, मेरा सजेशन लेना है ना तो 1 जुलाई अगर बोला है, अगर आपका 20 जुलाई है तो आप वैसे भी एलिजिबल नहीं हो, ठीक है? लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आप जाओ पहले एग्जाम तो देखो, पास तो हो जाओ। हाँ सर लेकिन अगर आपको एग्जाम देना है आपको पता है एलिजिबल वैसे भी नहीं हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप निकल जाओगे तो आप क्या करो कास्ट में फॉर्म भर के चले जाओ, 100 रुपया 150 रुपया जो भी है 350 या कुछ तो है 200 कास्ट में भर के चले जाओ एग्जाम। सर कब तक है डेट पता नहीं मैम, 18 अच्छा ये लिख के हो गया बताओ मुझे, मुझे नहीं पता जो वो बना था उसके ऊपर कुछ तो रीजन होगा ना, ऐसा लिखना चाहिए ना लास्ट लास्ट। देखो क्या होता है, एक मैंने देखा था मैं वहाँ पे देखा था मोबाइल में, कितना गुस्सा आता है ना देख के सब लोग ऐसा लिखते हैं। सही स्टूडेंट आप लोग सुनो, एक मैं देखा था मैंने वहाँ पे लिखा था, एक दो बंदे बैठे रहते तो चेयर पे बैठे रहते तो बोलता है आई गॉट 96.28%, तो दूसरा बंदा क्या बोलता है बताए सबको वहाँ पे बताता है ही गॉट, मतलब शाउटिंग करता है ही गॉट 96.28% 2021, तो बाकी लोग क्या करते हैं हु केयर, मतलब कोई वैल्यू नहीं रखा उन्होंने, समझ रहे हो? तो मुझे पता नहीं रीजन क्या है लेकिन आप एक बार लाडू में हुआ था ना सर, सर इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू HDFC बैंक का कुछ तो हुआ था कि 2000 हाँ वही हाँ वही तमिलनाडु का। अच्छा नीता मैम क्वेश्चन पूछो, हमारे पास 4 मिनट है। हाँ सर जो मैं बताई थी वो वाला क्या बताई थी बता दो सर, वो पजल नहीं लोगे? साइल टाइम नहीं है साइल, नहीं नहीं सर ग्रुप में भेज दो ना पजल का क्वेश्चन दी करो। देखो मैं कैसे भेजूं ग्रुप में, आप एक काम करो सपना मेरे सर मैं दादर के ग्रुप में सेंड कर सकता हूँ सपना, हाँ तो आप भेज दीजिए। हेलो सर लिखो, बोलो मैम। कॉल नॉट मोबाइल, क्या कॉल नॉट मोबाइल? हाँ सब मोबाइल टेलीफोन सर अभी तो हुआ सिस्टम टाइम ये अलग नहीं वही है ना, और ये आ गया टेलीफोन, ये आ गया आपका टैबलेट, यही था ना? हाँ सर अभी सर क्वेश्चन है कॉल टेलीफोन कंक्लूजन सर, नो फोन कहाँ पे है यहाँ पे? नो कॉल इज टेलीफोन, नो कॉल इज टेलीफोन, ये आपका स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा।
सर नो कॉल इज टेलीफोन. टेलीफोन सर वो मोबाइल है, वो मोबाइल है. ओके नहीं आवाज क्लियर नहीं आ रही है ना. नो कॉल इज टेलीफोन ये रॉन्ग हो जाएगा. ओके सर टेलीफोन रॉन्ग हो जाएगा. हाँ ठीक है. नो कॉल इज टैबलेट. नो कॉल इज टैबलेट रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है नो करिलेशन नहीं है. बट अगर मैं पूछ लू नो कॉल इज टेलीफोन पॉसिबिलिटी आप बताओ. यस सर राइट. नो कॉल इज टैबलेट यस सर राइट. टेलीफोन रॉन्ग है. नो कनेक्शन नहीं है. ओके सर हो गया सर. आपको ये पूछूं ऑल टेलीफोन बीइंग मोबाइल इज पॉसिबिलिटी. नो सर. राइट है. नो कनेक्शन राइट है. टेलीफोन मोबाइल इज पॉसिबल. पॉसिबल दोनों के बीच में नो कनेक्शन नहीं है. हो सकता है. ठीक है. ऑल टेलीफोन बीइंग टैबलेट इज अ पॉसिबिलिटी. राइट सर. राइट बस चलो सर. रुको रुको नीता मैम. नो कॉल इज यस सर. एक बार 100 क्वेश्चन सॉल्व करो. फिलोसफी क्लियर हो जाएगा. सर मेरे नो कॉल इज अ टैबलेट इज अ पॉसिबिलिटी. अगर ये पूछता 100% रियलिटी में तो क्या आता आंसर आपका. रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग. ये क्या पूछा है रियलिटी में तो रॉन्ग हो रहा है बट पॉसिबिलिटी पूछा है ना. नो कॉल इज टैबलेट. मैंने क्या कहा था कि जब दो वेन डायग्राम दूर दूर हो और नो करिलेशन पूछा तो क्या हम इस तरीके से बना सकते हैं कि नहीं. हाँ सर. तो कॉल और टैबलेट में मैंने नो करिलेशन बना दिया. इट मींस इट पॉसिबल है. तो ये करेक्ट हो गया. बनाना पॉसिबल हो गया मतलब करेक्ट हो गया. क्लियर. चलो अगर मैं ये पूछू नो टैबलेट इज मोबाइल इज पॉसिबिलिटी. अब बताओ. रॉन्ग. रॉन्ग है सर. पहले क्यों रॉन्ग होगा कि ऑलरेडी सम के रिलेशन में है हम वो नहीं बना सकते. क्लियर स्मिता. हाँ हाँ क्लियर है. चलो अगर मेरा कल अगर लेक्चर रहा चाहे आफ्टरनून या जब भी हो संतोष और किसने डाउट दिया था सेकंड वाला प्रियंका तो आप लोग कोशिश करिए कि आप मेरे लेक्चर में आ जाओ और जिसे ये पजल के बारे में सॉल्व करना है जिसका पजल हुआ रहेगा वो लोग भी आ जाए क्योंकि मैं ये दोनों पजल स्टार्ट में ले लूंगा. क्लियर. ओके सर. ओके चलिए. थैंक यू सो मच मैम. और नीता मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर को पहले ब्लेम करने से पहले आप एक बार पहले आप उनको देख लो कॉन्सेप्ट कैसा है कि उनका कॉन्सेप्ट शायद हो सकता अलग हो उनके पढ़ाने का तरीका अलग हो. एक बार आपको रिजल्ट से मतलब है आपके आंसर से मतलब अगर आंसर सही आ रहे मतलब वो सही है अपने जगह पे तो एक बार उनको पढ़ा लें तो एक बार क्वेश्चन देख लो सही मैच हो रहा है क्या. मैच हो रहा है मतलब अपने जगह पे सही. ठीक है. ओके सर वैसे भी क्लियर हो गया मुझे आपने बताया सब क्लियर हुआ तो. नहीं वो सर भी हमारे क्लियर ही वो भी सर हमारे क्लियर हैं बट उनका तरीका अलग होगा. बोलो सर. असिस्टेंट मैनेजर और एग्जीक्यूटिव सर पोर्शन सेम है. सेम है मैम कोई फर्क नहीं. देखो अगर आप क्लर्क दे रहे हो अगर आप एग्जीक्यूटिव दे रहे हो क्लर्क मतलब दोनों एक ही लेवल पे आएगा. अगर आप पीओ दे रहे हो जैसे जैसे पोस्ट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे पेपर की डिफिकल्टी बढ़ते जाएगी. जैसे जैसे पोस्ट नीचे होता है. सर एक आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर है और एक एग्जीक्यूटिव का है सर नोटिफिकेशन. असिस्टेंट मैनेजर पीओ के लेवल का होगा एग्जीक्यूटिव का क्लर्क लेवल होगा. सिंपल सर. एक बार कोई सर एक्सपीरियंस सर क्या क्या पेपर सॉल्विंग ले लो सर. एग्जाम दे सकते हैं ना एक्सपीरियंस सॉल्विंग शायद अब तो कल ले लेंगे. कल ले लेंगे अगर मेरा लगा ना तो पहले ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बाकी टाइम पे पेपर सॉल्व कर लेंगे. हां सर प्लीज सर. फ्रेशर वाले बैंक के एग्जाम दे सकते हैं मतलब. क्या क्या मनीष. फ्रेशर जो रहता है सर तो बैंक के एग्जाम दे. देखो आप कास्ट अगर आप कास्ट में भर के चले जाओ ऐसे माहौल देख लो वहां का माहौल कैसा है कि वहां पे बच्चे लोग ऐसा मुंडी नीचे करते हैं तो एक घंटे बाद ही मुंडी ऊपर उठती है. सबके पेन इतने फास्ट चलते ना स्पीड बहुत कहते हैं ऐसा लगता है पेन से भी धुआं निकलने वाला है तो ऐसा स्पीड होता है. तो एक बार आप देखो सर. सर
एक बार ये भी मैम एक मिनट आप एक बार ये भी देख लो कि जो आप पढ़ रहे हो जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं क्या वही क्वेश्चन आ रहे हैं क्या, वो भी चेक करना जरूरी है। एक बार माहौल देखने के लिए देख सकते हो आप सर। सर वो SBISO क्या है? SBISO मतलब स्पेशल ऑफिसर, मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है, जो लोग लॉ किए होते हैं, MBA किए होते हैं, HR किया होता है उनके लिए होता है, IT फील्ड से होगा उनके लिए होता है, सबके लिए नहीं होता। हाँ बोलिए सर। दोनों में से कौन सा सर, कौन सा अप्लाई करे सर, असिस्टेंट मैनेजर या दोनों अप्लाई करो, दोनों कर दें। ओके सर, थैंक यू, बाय सर। सर फ्रेशर पीओ का मतलब जॉब कर सकते हैं ना, मतलब बिल्कुल बिल्कुल मनीष, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, एक्सपीरियंस वगैरह नहीं चाहिए ना, मतलब नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएट हो गए और अगले साल ही आपने पीओ निकाल ली, आप डायरेक्ट पीओ बन जाओगे, कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगते। ओके सर, ओके, ये डाउट था। मैंने सर कभी एग्जाम नहीं दिया ना सर, फर्स्ट टाइम। कोई बात नहीं मनीष, हम लोग हैं बैठे यहाँ पे गाइडेंस देने के लिए, मैम गाइडेंस देते हैं, कोई बात नहीं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके चलिए क्लास, मिलते हैं कल के लेक्चर में, अगर कल का लेक्चर होगा। सर 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 वो अपना पहला वाला डायलॉग तो मारो। कौन सा वाला? हाँ लाइक सब्सक्राइब सर, बहुत टाइम हुआ। फोकस क्लासेस का यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ पे जाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करना मत भूलना कि लेक्चर का चैनल, ठीक है? चलो ओके सर, चलो सर, बाय 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 बाय।